गुरवे नमः। दीक्षा बंधनम् ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम् दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। सहारे मेरी नाव चले रे गुरु के सहारे, मेरी नाव चले गुरु के सहारे। विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरां दस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकं चक्षुरुं नीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरी नाव चले रे गुरु के सहारे। श्री राम जय राम जय जय राम।
कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम अभयदां जाड्यांधकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री शंभुरुवाच राघवं करुणाकरं भवनाशनं दुरितापहं माधवं खगगामिनं जलरूपिणं परमेश्वरं पालकं जनतारकं भवहारकं रिपुमारिकं त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनं उद्धवं वनमालिनं घनरूपिणं धरणीधरं श्रीहरिं त्रिगुणात्मकं तुलसीधवं मधुरस्वरम् श्रीकरं शरणप्रदं मधुमारिवं व्रजपालकं त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनं विठ्ठलं मथुरास्थ
स्थितं रजकान्तकं गजमारकं सन्नुतम्बकमारकं वृषघातकं तुरगार्दनम् नन्दनं वृषदेवजं बलियगयं सुरपालकं त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम् केशवं कपिवेष्टितं कपिमारकं मृगमर्दिनं सुन्दरं द्विजपालकन्दितिजार्दनं धनुजार्दनम् पालकं घरमर्दिनं ऋषिपूजितं मुनिचिन्तितं त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम् शङ्करञ्जलशायिनं कुशबालकं रथवाहनम् सर्यूनतं प्रियपुष्पकं प्रियभूसुरं लवबालकम् श्रीधरं मधुसूदनं भरताग्रजं गरुडध्वजं त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम् ङ्गुरुपुत्रदं वदतां वरं करुणानिधिं भक्तपञ्जनतोषदं सुरपूजितं श्रुतिविस्तुतं भक्तिदं जनमुक्तिदं जनरञ्जनं नृपनन्दनम् भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम् चिद्धनं चिरजीविनं मणिमालिनं वरदोन्मुखं श्रीधरं धृतिदायकं बलवर्धनं गतिदायकम् शान्तिदं जनतारिकां शरधारिणं गजिगामिनं त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम् शाङ्गिणं कमलाननं कमलादृशं पदपङ्कजम् श्यामलं रविभासुरं शशिसौख्यदं करुणार्णवम् सत्पतिं नृपबालिकं नृपवन्दितं नृपतिप्रियं त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम् सगुणात्मकं नृपमण्डनं मतिवर्धनम् अच्युतं पुरुषोत्तमं परमेष्ठिनौ स्मितभाषिणम् ईश्वरं हनुमानुतं कलिमापिदं जनसाक्षिणम् त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम् ईश्वरोदितमेतदुत्तममादराक्षतनामकं यः पठेद् भुवि मानवस्तव भक्तिमांस्तपनोदये तत्पदं निजबन्धुता
सुतिर्युतश्चिरमेत्यनः सोस्तुते पदसेवने बहु तत्परो मम वाक्यया बहु तत्परो मम वाक्यतः बहु तत्परो मम वाक्यतः गणपतये नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री महालक्ष्म्यै नमः नमो भगवते वासुदेवाय रामो राजमणि सदा विजयते रामो रमेशं भजे रामेणा विहता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अञ्जनीगर्भसम्भूत कपीन्द्रः सचिवोत्तम रामप्रियनमस्तुभ्यम् हनुमन् रक्ष सर्वदा प्रिय स्वजनों पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की सविशेष कृपा होती है तब घर आंगन में ऐसे दिव्य प्रसंग का आयोजन होता है। शास्त्रों में लिखा है सत्संग निरंतर करना चाहिए। वेद के ऋषियों ने ये बात कही थी, आनो भद्राहा क्रतवो यंतु विश्वतः। Let the noble thoughts come to us from all directions. Most conservative estimate के अनुसार ये वाक्य minimum 13,000 years ago कहा गया है। Most conservative कहने वाले लोग तो कहते हैं लाखों वर्ष पहले की बात है, लेकिन modern research scholars जो एडमिट करते हैं, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में जो संशोधन चल रहा है, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट कलेक्टेड विजडम ऑफ ह्यूमन काइंड।
मानव जाति के पास जो समझदारी आई, विजडम आया, और उस ऋग्वेद का जो भद्र सूक्त है, जो फिर यजुर्वेद में भी आया, सामवेद में भी आया, भद्र का अर्थ है कल्याण, वेलबींग, ओवरऑल वेलबींग। जीवन में यदि हम सफलता चाहते हैं, जीवन को यदि मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, मेमोरेबल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अधिक आवश्यक यदि कुछ होगा, ये प्रश्न मैं आपसे पूछूं, हाउ कैन यू मेक योर लाइफ सक्सेसफुल? आयुषी, व्हाट डू यू नीड टू मेक योर लाइफ सक्सेसफुल? If you are happy from within, then my life is successful. Akshay? Sorry? If you can meet people happy around you, you can make people happy around you. What a wonderful couple. So he tries to make her happy and she finds success in her happiness. Rahul? What is your definition of, life led meaningful? Successful banane ke liye kya chahiye? Purpose to maine diya, to make your life successful. Now what do you need for that? The purpose of life is a life of purpose. Ji, Arvind ji. जो अपना धर्म है उसके बारे में नॉलेज हो सके और जो ज्ञान हो सके कि हमारे आप बड़े पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं बिकॉज यू आर बिगिनिंग सम रिलीजियस फंक्शन सो जो भी धर्म का ज्ञान हो ही हो तो उसका ज्ञान होने से आदमी थोड़ा सक्सेसफुल सक्सेसफुल भी होगा और हैप्पी भी होगा और सक्सेसफुल के लिए सबसे बड़ी बात है हम्बल होना बड़ा जरूरी है जी दैट्स व्हाट आई फील बेसिकली हम्बलनेस मेक्स यू सक्सेसफुल जी बाबू जी सबसे पहले तो आदमी को डिवोशन चाहिए हनुमान जी और उसके बाद उसमें डेप्थ चाहिए डिवोशन चाहिए डेप्थ चाहिए जी जी बहुत सुंदर हाँ जी है ना जय श्री कृष्णा जी बहन हार्ड वर्क पेशेंस एंड डेडिकेशन गुड चलिए और कोई राशि वासा जी आप कुछ कहेंगे पेशेंस भी होना हाँ, चाहिए वो ठीक है हार्ड वर्क पेशेंस तो हो गया इन इनको दीजिए ये बाबूजी को जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण सर प्रथम मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो मीनिंगफुल होना ज़रूरी है लाइफ का और मीनिंगफुल okay, मैंने कहा लेकिन क्या चाहिए उसके लिए बताइए समर्पण जरूरी है समर्पण चाहिए ओके ठीक है चलिए प्रणाम महाराज जी बहना सक्सेस होने की परिभाषा जानना चाहती हूँ पहले व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस मैं अभी आपका प्रश्न मेरा तो जो है मुझे पता है क्या कहना है सक्सेस किस चीज को मैं सक्सेस बोलती हूँ मेरे लिए सक्सेस जी बताइए वो बताइए आप मेरे लिए सक्सेस आई एम अ म्यूजिशियन राइट सो आई एम अ पियानिस्ट सो द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई गॉट वाज के आप थे ही नहीं सिर्फ म्यूजिक था वाह तो वो सक्सेस है मेरे लिए कि जब मैं गुम हो जाऊं किसी में जी, और जी, मेरा अस्तित्व ना रहे मैं सब में आ जाऊं और उसका पहली परिभाषा मैं जो समझती हूं बचपन से सत्संग का होना बहुत जरूरी है जी वो एक की रहा है मेरे जीवन में ठीक है प्रणाम बहना वो बहुत सुंदर उत्तर बहना आप कहोगी कुछ चलिए प्रदीप जी आप कहोगे कुछ सक्सेस के बारे में सक्सेसफुल होने के लिए क्या जो भी आपकी डेफिनेशन हो सक्सेस की शास्त्र की क्या है व्यासपीठ क्या कहना चाहती है वो सब या 9 दिन की हमारी यात्रा है आपकी जो सक्सेस की डेफिनेशन हो उसके लिए क्या जरूरी है
मेरे हिसाब से परिवार एक शक्ति है जो कि सब बहुत बड़ी शक्ति है जो आपको सबको हमेशा सक्सेस की ओर लेके जाती है। बहुत सुंदर। और दूसरा मेरा विचार है कि कर भला तो हो भला, ये मेरे हिसाब से यही है। बहुत सुंदर, कमाल हो आप लोग। किसी ने नहीं कहा कि सक्सेसफुल होने के लिए वेल्दी होना जरूरी है। ये मतलब आपको लगता नहीं है कि आपको बताना ठीक नहीं लगा? जो भी उत्तर आपने दिए सभी सही उत्तर हैं, एंड आपकी अपनी व्याख्या है, सो नोबडी कैन से कि ये रॉन्ग था या ये सबकी अपनी व्याख्या है। प्रिय स्वजनों, ये जो भी आपने कहा, टू बी हैप्पी, टू मेक अदर्स हैप्पी, सम पर आना, ये जो भी परिवार की भावना, इन सभी के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है विचार, आइडिया। सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आइडिया। सुखी भी यदि बनाना होगा, इफ यू वांट टू मेक अदर्स हैप्पी, इफ यू वांट टू मेक योर फैमिली हैप्पी, इफ यू, तो उसके लिए एक विचार चाहिए। वेद के ऋषियों ने कहा अच्छे विचार हमारे पास आने चाहिए, और आज के युग में जो 21st सेंचुरी में हम हैं, ऋषि कितने सच हैं। बिजनेस की सक्सेसफुल होने की पूरी डेफिनेशन बदल गई है। अब आज के युग में तो इट इज द आइडिया विच मेक्स यू सक्सेसफुल। कितने सारे, मैं जब कलश यात्रा करके मंदिर से घर की ओर आ रहे थे तो मैं ये पिता पुत्र का संवाद सुन रहा था, अक्षय और अरविंद जी का। बिजनेसमैन है तो और तो क्या बात करेंगे। तो बात यही होगी, आज के युग में जो सक्सेस है, बड़े बड़े आप सक्सेसफुल लोगों को देखिए, उबर, जिसके पास अपनी एक गाड़ी नहीं है बट इट इज द बिगेस्ट टैक्सी प्रोवाइडिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, एयरबीएनबी, जिसके पास अपनी एक स्क्वायर फुट जगह नहीं है प्रॉपर्टी के नाम पर बट इट इज द बिगेस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड। ये क्या है? ऐसे कई नाम आपके पास आएंगे, और अमेज़न है, अलीबाबा है, जो कुछ प्रोड्यूस नहीं करते लेकिन दे आर द बिगेस्ट ट्रेडर्स। एक प्लेटफॉर्म बना, ये क्या आइडिया है? इट इज एन आइडिया विच मेक्स अ पर्सन सक्सेसफुल। एक विचार जब आ जाए, और उस विचार को आप कैसे डेवलप करते जाते हो। विचार आने के लिए अपने एंटेना खुले होने चाहिए, इसलिए वेद के ऋषियों ने कहा आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, लेट द नोबल थॉट्स, लेट द ब्रिलियंट थॉट्स कम टू अस फ्रॉम वर्ल्ड ओवर। कहीं से भी विचार आए हम उनका स्वागत करते हैं। जिस दिन व्यक्ति विचार के लिए अपनी खिड़की बंद कर देगा, उस दिन उसके जीवन में स्टेग्नेंसी आ जाएगी, उसके विकास में रुकावट पैदा हो जाएगी। तो ये विचार आना, प्रिय स्वजनों, भारत की जो एक दिव्य वैचारिक परंपरा रही, ये व्यासपीठ विचार की गंगोत्री है। यहां से केवल कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहां से केवल गीत संगीत गाए नहीं जाते। आधार लोग लेते होंगे उसका, लेकिन मुख्य जो आवश्यकता है व्यासपीठ की, वो विचार देती है, थॉट्स देती है। प्रिय स्वजनों, ये विचार की गंगोत्री सत्संग, जहां से मिले वहां से पाइए। और शास्त्रों में ऐसा कहा कि एक सत्संग कहां करें, गृहे वापी तीर्थे वापी, घर में करें,
तीर्थ में करें, भारतीय संस्कृति में वैदिक एज जो था, वेद संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद तक की जो एक युग रहा, उसके बाद लेटर वैदिक एज जो शुरू हुआ, उसमें दिव्य तीन ग्रंथ हमारे पास आए ऋषियों की कृपा से, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत। भगवत गीता है एक अनूठा ग्रंथ, लेकिन वो महाभारत अंतर्गत है, तो महाभारत में ही भगवत गीता का समावेश है। ये तीन अद्भुत ग्रंथ जिसने भारतीय संस्कृति को संजोया, संवारा, संभाला, उनमें से एक श्रीमद् रामायण का अध्ययन आज हम आरंभ कर रहे हैं। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैंने शब्द प्रयोग किया अध्ययन। सो अवर्स इज अ क्लासरूम फॉर 9 days, और मुझे कोई अधिक टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। जब क्लासरूम कहा तो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर अ क्लासरूम, एवरीथिंग विल बी नीडेड हियर। कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन, जेन्युइनिटी, इंटरेस्ट, पंक्चुअलिटी। अरविंद जी सही है ना, वी ऑपरेट ऑन द सेम वेवलेंथ, राइट? ये सारी चीजें, क्योंकि आप समझदार हो, अपने लिए ना सही, अपने संतानों के लिए, स्कूल में भेजना है, क्लासरूम में भेजना है, तो जी कैसे भेजते हैं वो सारे, वॉट एवर वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अवर चिल्ड्रन हु आर एट स्टडीज, वो सारी बातें हमारे अंदर 9 दिन के लिए आनी चाहिए। तो ये जो अपना प्रयोग है, अ वंडरफुल एक्सपेरिमेंट, वो सफल होगा। पहला दिन जो होता है कथा का, महात्म्य बताना हमारे शास्त्रकारों ने कहा है। महात्म्य, इंपॉर्टेंस, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ये पता ना हो तो करने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। वी शुड नो व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू अवर लाइफ। महात्म्य जानने से हमारी अपनी रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है। मैं कई बार दृष्टांत देता हूं कथाओं में, एक ही व्यक्ति हो, एक ही परिस्थिति हो, लेकिन यदि महात्म्य पता ना हो तो हम उसके लाभ से वंचित हो जाते हैं। वी मिस द अपॉर्चुनिटी। लंदन से दिल्ली आए, एयरपोर्ट पर कोई लेने आया है आपको, आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, अराइवल हॉल में आते हैं, आपका तो स्वागत करते हो, वेलकम वेलकम, लेकिन जो आपको लेने आया है वो पीछे किसी को देख रहा है ऐसे। आप पूछते हो किसे देख रहे हो, मैं आ गया ना? नहीं नहीं, वो जो पीछे है ना आपके, कौन? वो ब्लू शर्ट वाले। या सो व्हाट इज, व्हाट अबाउट हिम? बहुत बड़े आदमी हैं, दिल्ली के top 10 फैमिलीज में से एक है वो, इतने बिजनेसेस है, इतने मॉल्स हैं, इतने गोडाउन्स हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना फैला हुआ कारोबार है, इतने तो उनके पार्टनर हैं, 5% 10% के भी पार्टनरशिप मिल जाए तो नियाल कर देते हैं। अच्छा, फिर आप मुड़ कर देखो, वो ब्लू शर्ट, हाँ पहले बताते ना, क्यों? नहीं, फ्लाइट में बाजू की सीट पर ही बैठे थे, और लंदन से दिल्ली की 8 घंटे की फ्लाइट में बीच वाले हैंडल पर हाथ रखने के लिए 4 बार उनको ऐसे कोहनी मारी थी। पहले पता होता कि इतने बड़े आदमी हैं तो 8 घंटे में कितना अच्छा रिलेशन बना देते,
कम से कम उनके दो चार प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप भी ले लेते। देखिए वही आदमी यदि पता नहीं है कि वो कौन है तो कोहनी मारी, और पता होता कि कौन है तो रिलेशन बना लेते। प्रिय स्वजनों, ये 9 दिन का जो ज्ञान सत्र है, मत मानना कि ओ जया जी को इच्छा हुई कुछ रिलीजियस फंक्शन घर पे करना है तो बस बुला लिया, ऐसा नहीं है। ये 9 दिन का साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, एंड वी ऑल आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सपेरिमेंट। इसको ध्यान में रखकर कर, और हम आधार लेते हैं रामायण का। परंपरा ऐसी है कि रामायण की कथा का आरंभ करें उस समय श्री हनुमान जी नियमित जहां राम कथा हो रही हो हनुमान जी श्रोता के रूप में विराजते ही हैं। हनुमान जी राम कथा के अग्रिम श्रोता हैं, द फर्स्ट लिसनर, ही इज द फर्स्ट वन टू एंटर एंड द लास्ट वन टू लीव। तो हनुमान जी हमारे बीच में विराजमान हैं, एक बार जयकारा करके 9 दिन तक हमें श्रोता के रूप में श्री हनुमान जी का साथ, हमारे बीच में बैठकर हनुमान जी कथा श्रवण कर रहे हैं, तो जयकारा करके श्री बालाजी का स्वागत करें। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय स्वजन, महत्व समझते हैं हम, क्यों कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, हम सब सुख खोजते हैं, वी ऑल वॉन्ट टू बी हैप्पी इन लाइफ। अभी तक कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मुझे सुखी नहीं होना है। उसकी सुख की दिशा अलग हो सकती है, सुख के साधन उसके अलग हो सकते हैं। किसी को संपत्ति में सुख लगेगा, बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। किसी को कीर्ति प्रतिष्ठा में सुख मिलेगा, आई वॉन्ट टू बी फेमस, आई वॉन्ट टू बी वेल नोन। जैसे बहना अपना अभिप्राय प्रकट करके विदाई ले ली, वायलिनिस्ट ने कहा कि जब कोई कहे कि तुम थे ही नहीं, ये ऐसा कोई अच्छा रिस्पांस मिले, जेन्युइन रिस्पांस मिले, तो उसमें सुख होता है। सबकी सुख की व्याख्या, सुख के साधन, सुख की दिशा अलग हो सकती है, लेकिन एक बात तो अग्री करनी पड़ेगी, वी ऑल आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, इट्स अ क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस। कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? श्री रामचरित मानस के बाल कांड में मैं आऊंगा उस तरफ, पुस्तक आपके पास है, ये पुस्तक 9 दिन तक हमारी टेक्स्ट बुक रहेगी, तो मैं चाहूंगा कि जो जो भी कथा श्रवण के लिए बैठे ये पुस्तक लेकर बैठे, इसमें रेफरेंस क्रॉस रेफरेंस आते रहेंगे। छठे पन्ने पर मानस सुधा करके प्रकरण है। यहां श्री रामचरित मानस की सिलेक्टेड चौपाइयां हमने इसमें ली हैं। बालकांड के आरंभ में 7 श्लोकों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया है, संस्कृत में 7 श्लोक हैं, उसमें 7वां श्लोक पेज नंबर 6 पे जो लास्ट वर्स है आप देखिए, मैं ये श्लोक डिटेल में भी जाएंगे, अभी केवल संदर्भ ले रहा हूं, इसका रेफरेंस ले रहा हूं। ये ग्रंथ क्यों कहा, क्या आवश्यकता थी ये ग्रंथ कहने की, रामचरितमानस कहने की? तो उसमें गोस्वामी जी लिखते हैं,
स्वांतस सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, द लास्ट लाइन ऑन द पेज 6। तुलसीदास जी कहते हैं ये रघुनाथ गाथा, ये श्री राम जी की गाथा, राम जी की कथा मैंने इसलिए कही है स्वांतस सुखाय, मेरा अंतकरण सुखी हो। स्व अंतस सुखाय, माय ओन इनर हैप्पीनेस, इसके लिए मैंने कहा है और कोई पर्पज नहीं था इसके पीछे। शुरुआत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह कहा और ग्रंथ का जब समापन होता है तब उत्तरकांड के अंत में जब पेज नंबर 53 पेज पर आप जाइए जहां रामचरितमानस पूरा हो जाता है उत्तरकांड में अंत की ओर। अपना भक्तिभाव प्रकट करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यत् पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं श्रीमद राम पदाब्ज भक्ति मनीषं प्राप्त्यै तु रामायणं मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतं स्वांतः तमः शांतये। भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्। आरंभ में कहा यह ग्रंथ मैं क्यों लिख रहा हूं और अंत में भी कहा यह ग्रंथ मैंने क्यों लिखा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं स्वांतः तमः शांतये। स्व अपना अंतः अंतःकरण का भीतर का, तमः शांतये तम मेरा शांत हो। एक तो सत्व रज तम गुण और तम का दूसरा अर्थ है तम मींस डार्कनेस अंधेरा, मेरे भीतर का अंधेरा नष्ट हो जाए, मेरे भीतर का तमोगुण शांत हो जाए, इसके लिए मैंने ये ग्रंथ लिखा। नाउ कंपेयर दिस टू वर्ड्स उपक्रम और उपसंहार में। स्वांतः सुखाय शुरुआत में कहा और अंत में कहा स्वांतः तमः शांतये। तो ये स्वांतः स्वांतः कॉमन हुआ, सुख क्या हुआ तमः शांतये। सुख कैसे मिलेगा यदि तम भीतर का तम जो है भीतर का अंधेरा है वो निकल जाए तो व्यक्ति को सुख मिलेगा। सुख ढूंढते हैं सब लोग लेकिन पूछा जाए कि सुखी कौन है तो सब कहेंगे नहीं एवरीथिंग इज ओके बट यू सी बट ये ऐसे तो सब ठीक है लेकिन जरा जरा सामान्य से सामान्य व्यक्ति से लेकर के बड़े से बड़े व्यक्ति तक ये सभी के जीवन में ये जरा बट रहता ही है। क्या ये जरा दूर नहीं हो सकता, वो जरा निकल जाए तो सब सुखी हो जाए। स्वांतः तमः शांतये। प्रिय स्वजनों रामायण की कथा तो आप लोग जानते हो, राम ने रावण को मारा, रावण कुछ नहीं है अंतःतम है, भीतर का अंधेरा ही रावण है सिंबॉलिकली। जब कैरेक्टर आएगा तो देखेंगे डिटेल में उसके बारे में। ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूं शुरुआत में ही, राम कथा में हम तीन ग्रंथों का आधार लेंगे। ऐसे तो देयर आर सो मेनी वर्जन्स ऑफ रामायण बट वी विल डिपेंड ऑन मेनली फोकस ऑन थ्री स्क्रिप्चर्स। ए वाल्मीकि रामायण। एक बात स्पष्ट कहूं, रामचंद्र जी के बारे में यदि कुछ भी जानना है फैक्चुअली तो वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहिए क्योंकि वो आदि कवि है।
Valmiki ji is the first person who has narrated the story of Ram, the history of Ram. The most ancient, most authentic Valmiki Ramayana. उसके बाद में जो भी वर्जन आए उसमें थोड़ा 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 फर्क पड़ता गया, समय के अनुसार, समाज के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, जो भी इश्यूज एड्रेस करने थे तो तत्त्व जो विचारक थे, ऑथर्स थे, पोएट थे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा अंदर चेंजेस भी किए. चेंजेस भी आए संस्कृत साहित्य में, जिसको क्षेपक कहते हैं, इंटरपोलेशंस, वो भी आते गए. ऐसी कई बातें रामायण में आ गई जो ओरिजिनल रामायण में थी ही नहीं, वाल्मीकि जी ने लिखी ही नहीं है. लेकिन लेटर वर्जन्स जो आए, रीजनल वर्जन्स जो आए, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें आती गई. कथा के प्रसंग में आएगा, मैं बताता जाऊंगा आपको. सो इट इज गोइंग टू बी अ रिसर्च बेस्ड वर्क. केवल स्टोरी टेलिंग नहीं होगी यहां पर. दूसरा ग्रंथ जो हम आधार रखेंगे वो महर्षि वेद व्यास लिखित अध्यात्म रामायण. हमारे जो पुराण हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनका एक अभिगम रहा. राहुल बेटा आपके लिए खास कहूं, बिकॉज यू आर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट एंड मूवीज. पुराण को लिखने का जो हमारा पुराणकारों का अभिगम क्या था, ए दे वर राइटिंग हिस्ट्री. वेस्टर्न वर्ल्ड में एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि इंडियन लोगों के पास हिस्ट्री सेंस नहीं है. ये बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं वेस्टर्न ऑथर्स अपने पर. कुछ हद तक वो बात सही भी है, लेकिन वो एक मिसकंसेप्शन है. हमने हिस्ट्री को हिस्ट्री के रूप में नहीं लिखा, हमने हिस्ट्री को पोएट्री के रूप में लिखा. तो हमारे जितने भी पुराण हैं, सारे पुराने जो ग्रंथ हैं, वो सब पोएटिक फॉर्म में है. केवल हिस्ट्री ड्राई हो जाता है. इसने इसको मारा, इसको यहां वॉर हुआ, इसके मारे ये किया, इसने ये किंगडम ले लिया, इसकी बाउंड्री ये बन. जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, वो डेट्स को याद रखना पूरे, कितना टेंशन होता था. केवल हिस्ट्री लिखना वो ड्राई होता है. लेकिन हिस्ट्री को पोएटिक रूप में लिखा कविता में, तो सबको याद रहने लगा. अच्छा, केवल उसको पोएटिक रूप में लिख के ब्यूटीफाई करना ये पर्पज नहीं था, उसके पीछे एक और मैसेज था. अंग्रेजी में जो कहते हैं, दोज वो डोंट स्टडी हिस्ट्री आर कंडेम टू रिपीट इट. इतिहास जो पढ़ते नहीं, उनको इतिहास में से जो सीखने जैसी बातें वो चूक जाते हैं, तो वापस वही गलतियां करते हैं जो पुराने लोगों ने की. हम पुराण के माध्यम से हिस्ट्री को पोएटिक रूप में लिख करके साथ में एक पावरफुल सोशल मैसेज देना चाहते थे. और वो तभी जाएगा जब हिस्ट्री को एक सोशल मैसेज के रूप में रखा जाएगा. अब ये करते समय कुछ फैक्ट्स इधर उधर हुए, बट एज आई टोल्ड अर्लियर, वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन पुटिंग ड्राई फैक्ट्स इन बुक्स. हम उसको समाज में घर घर ले जाना चाहते थे. इसलिए देखो, यूरोपियन हिस्ट्री घर घर नहीं गया, केवल यूनिवर्सिटी में रह गया, हिस्टोरियंस के पास रह गया. जबकि भारत के ये प्राचीन ग्रंथ घर घर पहुंच गए. बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो रामायण पढ़ता रहेगा और उसके अंदर के जो सोशल मैसेज है वो पाता रहेगा. साथ में एक रिलीजियस मैसेज हम देना चाहते थे, धर्म से समाज में एक ऑर्डर बनाए रखना चाहते थे. धर्म और कुछ नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट है, ऐसे जीना चाहिए. तो वो हमने पुराणों के माध्यम से किया कि भगवान राम ऐसा करते थे, ऐसा करोगे तो आप अच्छे बनोगे, ऐसा करने से पुण्य मिलेगा. ऑब्वियसली समाज में एक ऑर्डर अपने आप आ जाता था. अधिकतर लोग ऐसा मानते थे कि मुझे बुरा नहीं करना चाहिए, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, मुझे परस्त्री पर दृष्टि नहीं करनी चाहिए, मुझे किसी का अपमान नहीं करना चाहिए. ऐसा यदि करूंगा तो मैं धर्म के विरुद्ध हो रहा हूं, इससे ऐसा करने से पाप लगेगा. तो ऑटोमेटिक एक ऑर्डरली सिस्टम ये शास्त्रों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से समाज में आ गई. और फाइनल जो इसका हेतु था वो व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना.
तो प्रत्येक पुराणों में दिखाई पड़ती है कहानियां छोटी छोटी सुंदर, लेकिन उसके पीछे एक पावरफुल स्पिरिचुअल मैसेज था जो व्यक्ति के उन्नति के लिए, उसके इवोल्यूशन के लिए अत्यंत आवश्यक था। और इस बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि वेदव्यास ने अध्यात्म रामायण लिखा। तो रामायण की कहानी तो सब जानते हैं, सीरियलों में देखी होगी, कॉमिक बुक्स में छोटे थे तब पढ़ी होगी, अयोध्या के राजा दशरथ जी, उनकी तीन रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, संतान नहीं थी। दशरथ जी शिकार करने गए, शब्दवेधी तीर चलाया जो श्रवण की छाती में घुस गया। श्रवण अपने अंध माता पिता को लेकर के यात्रा के लिए निकला था। दशरथ जी जब दौड़े, अरे मुझसे गलती में ये काम हो गया, जल का पात्र लेकर श्रवण के अंध माता पिता को दिया और कहा कि तुम्हारा पुत्र इस दुनिया में रहा नहीं। पुत्र विरह का शोक अंध माता पिता के अंतःकरण से शाप बन के निकला, पुत्र विरह में हम जीवित नहीं रह पाएंगे, राजन तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र विरह में होगी। दशरथ जी ने सोचा ये तो बहुत वरदान की बात हो गई, क्योंकि मृत्यु तो सभी की होनी है, पुत्र विरह में मृत्यु हो इसके लिए भी मेरे यहां पुत्र तो होने चाहिए। कुलगुरु वशिष्ठ जी से बात की, श्रृंगी ऋषि के आचार्य पद में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, प्रसाद तीनों रानियों को बांटा गया, चार पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बड़े होने लगे, विश्वामित्र जी आए, राम लक्ष्मण को ले गए कि हमें ऋषियों को वन में, जब तपोवन में यज्ञ यागादि करते हैं वहां राक्षस विघ्न डालते हैं, राक्षसों को मारने के लिए तुम्हारे ये दो पुत्र चाहिए। मन तो नहीं था दशरथ जी का बहुत ये करने का, लेकिन ऋषि की आज्ञा है तो ना भी नहीं कह सकते। राम लक्ष्मण को दिए, ताड़िका को मारा, मारीच को भगाया। फिर विश्वामित्र जी ने कहा एक और यज्ञ अधूरा पड़ा है, चलिए वहां पर जाना है। जनकपुरी मिथिला गए, सीता के स्वयंवर का जो यज्ञ था वो बाकी पड़ा था, मार्ग में अहल्या का उद्धार किया, मिथिला पहुंचे, सीता स्वयंवर में शिव धनुष का भंग किया, सीता जी के साथ ब्याह हुआ। फिर तो चारों भाइयों का वहीं पर तय हो गया, चार पुत्र और चार बहुओं को लेकर के दशरथ जी अयोध्या आए, आनंद आनंद का वातावरण हो गया। लेकिन जीवन का नियम है कि आनंद अधिक समय टिकता नहीं, कुछ परिस्थिति करवट बदलती ही है। दशरथ जी को इच्छा हुई कि राम का राज्याभिषेक कर दूं, कॉरोनेशन कर दूं उनका मेरी उपस्थिति में ही, तय भी कर दिया कल प्रातः काल होगा। लेकिन रात में ही मंथरा ने जाकर के कैकेयी को उकसाया, दशरथ जी कैकेयी को समाचार देने पहुंचे, कैकेयी ने दो वरदान मांगे, भरत को राज तिलक हो और राम 14 वर्ष के लिए वन में जाएं। राम लक्ष्मण सीता वन में निकले, केवट ने गंगा पार कराई, चित्रकूट में बसे, फिर वहां से आगे चलकर दंडकारण्य में गए, गोदावरी, शूर्पणखा आई, नाक काटी, शूर्पणखा ने जाकर के लंका में रावण को समाचार दिए, रावण आया, दूसरे कई राक्षसों का संहार किया, रावण ने आकर के सीता जी का हरण किया, राम जी बहुत दुखी हुए। राम लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते हुए चले, शबरी के पास पहुंचे, शबरी ने दिशा सूचन किया तो वहां सुग्रीव से मैत्री की, वहां श्री हनुमान जी का मिलन हुआ और फिर सारे बंदरों वानरों को लेकर के सेतु बंध किया। राम जी की सेना लंका में पहुंची, रावण से युद्ध किया, हराया उसे, पुष्पक विमान में लेकर के सीता जी को अयोध्या आए, राज्याभिषेक हुआ, सियावर रामचंद्र भगवान की। कहानी तो 3 मिनट में पूरी हो गई रामायण की, अब 9 दिन करेंगे क्या? और ये जो कहानी मैंने बताई इसमें एक भी बात ऐसी थी जो आपको पता नहीं थी? बड़े ज्ञानी लोग बैठे हो आप, सब पता है आपको, अब इसी के ऊपर मुझे उसको तार तार करके एलोबरेट करना है तो जरूरत क्या है?
नौ दिन करेंगे क्या आयुषी? कहानी तो हो गई पूरी रामायण की। प्रिय स्वजनों, केवल स्टोरी टेलिंग के लिए सत्संग नहीं है, ये एक एक प्रसंग के पीछे जो मैसेज है लाइफ का, सोशली हमें इवॉल्व करें, एक परिवार के रूप में हमें जागृत करें, और इंडिविजुअल के रूप में हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करें, वी बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, इसके लिए ये नौ दिन का सत्संग है। कहानी बताने के लिए आपको भूपेंद्र भाई पंड्या की आवश्यकता है ही नहीं, कोई भी एंटरटेनर आके बता देता कहानी, लेकिन उसके रहस्य जो है साइंटिफिकली रैशनली, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज की नई पीढ़ी चाहती है, रिजल्ट ओरिएंटेड, वो होना चाहिए। क्या प्रश्न पूछा था बेटा तूने गाड़ी में? हाँ देखिए, मैंने कथाओं में कई बार कहा, आज से 30-35 साल पहले समाज में एक प्रकार की शांति थी। शांति ये थी कि बहुत प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस। बड़े लोग जो कहते हैं ना, वो छोटे कर ही देते। दुकान जाने से पहले मंदिर में जाना है, जी पिताजी, पिता ने यदि पुत्र को कहा तो हो जाता था। माँ यदि अपनी पुत्री से कहती कि एकादशी है, उपवास रखना है, व्रत रखना है, हो जाता था। सास यदि बहू से कहे कि शाम हो जाए तो घर में दिया जला देना, हाँ मम्मी जी, आपने कहा तो हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन नहीं हुआ करते थे, लेकिन पिछले 30 साल में समाज बहुत परिवर्तित हुआ है, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज। उसमें सबसे बड़ा चेंज यह है कि एजुकेशन आ गया, सबके पीछे BA, BCom, BSc, MBA, BBA, कुछ ना कुछ पूछ लगा ही रहता है। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आ गया, पूरी दुनिया हमारे रूम में LED स्क्रीन में आ गई, ब्रेकिंग न्यूज, कहीं भी कुछ हो रहा तुरंत पता चल जाता है। ये सब पहले नहीं था। तो अभी की जो जनरेशन है, एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, उनके प्रश्न बहुत बढ़ गए। वो कुछ भी करेंगे तो पहले क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई। आज का कोई फादर, और मैं ये खास जो ये 50 वाली जनरेशन है ना, 50 के इधर उधर थोड़ी गिव एंड टेक 5 इयर्स वाली जनरेशन, उसे मैं सैंडविच जनरेशन कहता हूं। ये सैंडविच जनरेशन इसलिए है कि ये जनरेशन ने अपने बड़ों की बात भी सुनी थी और अपनी अगली पीढ़ी की बात भी उनको सुननी पड़ती है। ये बड़ी यूनिक जनरेशन है, ऐसी जनरेशन ना हिस्ट्री में कभी थी ना कभी आएगी फिर से। वो दोनों तरफ से बेचारे चक्की के पत्थर की तरह दोनों तरह से पीसे जा रहे हैं। हाँ जी, नहीं वो तो क्या पता, सबको सुनना पड़ता होगा। और आगे क्या होगा आप कैसे कह सकते हैं, तो ये नहीं करें आप, ये आपका इंडिविजुअल केस हो सकता है वो। लेकिन तो ये सैंडविच जनरेशन है ना, वो उनको दो जनरेशन की सुननी पड़ रही है। प्रश्न पूछती है हमारी यंग जनरेशन। अभी का कोई पिता यदि पुत्र से कहे कि बेटा ऑफिस जाने से पहले मंदिर में जाओ, तो बेटा तुरंत पूछता है व्हाई, मंदिर आउट ऑफ द वे पड़ता है, वहां पर ट्रैफिक जाम लगा रहता है, उससे तो बेहतर है मैं शार्प 9 o'clock ऑफिस में पहुंच जाऊं, तो स्टाफ के ऊपर भी इंप्रेशन पड़ेगी कि बॉस इज कमिंग ऑन टाइम। और रही बात मंदिर जाने की, तो ऑफिस का कामकाज पूरा करके घर लौटते समय मंदिर चला जाऊंगा, भगवान को क्या और काम है, वो तो खड़े ही है ना, बिजी तो हम हैं। डैड व्हाई डू यू इंसिस्ट दैट आई शुड गो टू द टेंपल इन द मॉर्निंग ओनली, व्हाई?
माँ अपनी पुत्री से कहेगी तुम उपवास रख लो, व्रत रख लो, पुत्री तुरंत कहती है नो आई डोंट वांट टू स्टार्व मायसेल्फ। वो डाइटिंग करेगी, उपवास नहीं करेगी। आज की सास यदि बहू से कहे कि शाम के समय घर में दिया जलाया करो तो बहू तुरंत पूछती है वाह माम, और शाम के समय मैं घर में होती कहां हूं, मेरे क्लब, मेरे सोशल कमिटमेंट्स, मेरा शॉपिंग, मेरी फ्रेंड्स, और वो क्या होता है वो 15-20 माताएं बहनें मिलकर कुछ वो दोपहर के क्या करते हैं, किट्टी, दिल्ली वाले भी करते हैं, मैंने तो सोचा केवल मुंबई वाले करते होंगे, दिल्ली वालों ने ही शुरू किया। इन सब में से फ्री हो जाऊं तब मैं करूं ना शाम को दिया। व्हाई डू यू इंसिस्ट दैट आई शुड लाइट अ लैंप इन द इवनिंग, व्हाई? ये आज की जनरेशन का प्रश्न है, टेल अस व्हाई। उनकी पूरी एजुकेशन ऐसी रही, दे आर ऑलवेज एनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस, और ये बात सही है, अच्छी भी है। पहले क्या था, प्रश्न पूछे नहीं जाते थे, यदि पूछे जाते तो उनको डांट के चुप किया जाता था। यदि पहले आज से 50 साल पहले कोई प्रश्न पूछ ले ये क्यों कर रहे हैं, अब तुरंत उनको चुप कर, हम जो करते हैं करते जाओ, और यदि उसमें भी कोई आगे निकले नहीं मुझे बताओ, हम जो कहते हैं नहीं करोगे पाप लगेगा, नरक में जाओगे, डरा दिया जाता था उनको, और बेचारे डर जाते थे, नरक में जाने से तो बेहतर है सत्संग में चले जाओ। लेकिन अब की जो जनरेशन आई है वो जरा अलग जनरेशन है, उनको डराया नहीं जा सकता, उनको यदि कहोगे कि ये नहीं करोगे तो पाप लगेगा, आज की जनरेशन कहती है हू केयर्स। उन्हें यदि डराने की कोशिश करो कि नरक में जाना पड़ेगा तो वे तुरंत उत्तर देते हैं ये जो है वो कम है क्या। सर आल्डस हक्सली का फेमस कोटेशन है, प्रोबेबली दिस प्लैनेट अर्थ इज अ हेल ऑफ सम अदर प्लैनेट। तो पुण्य की लालच पाप का डर, स्वर्ग की लालच नरक का डर, वरदान की लालच शाप का डर, ये इस जनरेशन को नहीं चलता। दे वॉन्ट लॉजिकल आंसर्स, दे वॉन्ट रैशनल आंसर्स। पहला प्रश्न जो आयुषी ने आज तुरंत गाड़ी में बैठे की पूछा, गुरु जी ये कलश यात्रा पोथी यात्रा क्यों करते हैं? 2-3 कारण है बेटा, विशेष करके भागवत की कथा होती है तो उसमें मैं डिटेल में उत्तर देता हूं। एक, आसपास के लोगों को पता चले कि यहां कोई सत्कर्म हो रहा है। अब हम तो एक परिवार के रूप में बैठे हैं, लेकिन जब बड़े स्केल पर कथा होती है तो वी नीड टू लेट पीपल नो अबाउट व्हाट्स हैपनिंग। तो बड़ी कलश यात्रा धूमधाम के साथ निकले तो लोगों को पता चलता है कि कुछ हो रहा है, एंड लोगों को मोटिवेट करते हैं कि इसमें सम्मिलित हो जाओ। लेकिन उससे केवल वो पब्लिसिटी का पर्पज नहीं था कलश यात्रा का, महत्वपूर्ण ये था पोथी यात्रा। ये ग्रंथ को हम मस्तक पर पधरा के लाते हैं, वी आर पेइंग अवर रिस्पेक्ट टू द स्क्रिप्चर। एक्चुअल पर्पज तो ऐसा है कि वक्ता के घर आकर उनका स्वागत, ग्रंथ का स्वागत करके आप ले आओ। एक्चुअली आपको और अक्षय को मुंबई आना चाहिए था और साथ में फिर फ्लाइट में आते हम ऐसे ग्रंथ को लेकर के। एक प्रोटोकॉल, एक रिस्पेक्ट है जो सब जगह संभव नहीं होता, इसलिए फिर हम मंदिर है तो सभी का घर है, मंदिर से आरंभ करते हैं। मस्तक पर ग्रंथ पधराते हैं वो हेतु यह है कि भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि जो विचार हैं वो इस बुक में कंपाइल किए गए हैं। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि विचारों को आदर, रिस्पेक्ट टू द थॉट, द डिवाइन थॉट्स, मस्तक पर रख के हम कहना चाहते हैं कि विचारों को मस्तक पर उठाते हैं, आदर देते हैं। और सामान्य भाषा में तो ये भी कहता हूं कि मस्तक पर ग्रंथ उठाते हैं ना, थोड़े से विचार यदि खोपड़ी में उतर जाए ना तो बेड़ा पार लग जाए।
इसलिए मस्तक पर उठाना का अर्थ है कि विचारों को हम अपने भीतर अपने जीवन में लाना चाहते हैं ये सारे, और कलश जो है वो मंगल सूचक है। अंतिम दिन जो यज्ञ करेंगे मैं समझाऊंगा पूरे डिटेल में, क्योंकि आज ये हमारे 9 दिन का है ना क्रम होता है, सिलेबस होता है कि प्रत्येक दिन कथा एक अंश तक पहुंचनी चाहिए। बट आई विल डेफिनेटली कलश भी क्यों, ये उसके ऊपर श्रीफल पत्ते सब क्यों रखते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू। बेसिकली इट इज पेइंग रिस्पेक्ट टू द आइडियाज, थॉट्स। सुख मिलता है अंतः तम शांत, ये भीतर का अंधकार शांत हो जाए। प्रिय स्वजनों, भारतीय अध्यात्म शास्त्र में उपनिषदों में एक बड़ा सुंदर शब्द आया है जिससे मैं अपनी इस राम कथा का आरंभ करना चाहता हूं। वो शब्द है भूमा। भूमा का अर्थ है, ये वैदिक संस्कृत है, भूमा का अर्थ है व्यापकता, अनंतता, एक्सपेंस, लिमिटलेसनेस, ये भूमा का अर्थ है। छांदोग्य उपनिषद में ऋषि सनत कुमार नारद से कहते हैं कि सुख यदि तुम पाना चाहते हो, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्ति। लुक एट दिस थॉट्स। ये कई बार लगता है कि जिन्होंने वैदिक वांग्मय नहीं पढ़ा, हमने शास्त्र नहीं पढ़े, चाहे दुनिया का जितना नॉलेज उन्होंने पा लिया, लेकिन वैचारिक दृष्टि से वो गरीब रह जाएंगे। परमात्मा की कृपा से विश्व के सारे धर्म ग्रंथों का अभ्यास किया है, और वो अभ्यास करने के बाद कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं भारतीय ग्रंथ में जो है वो आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। इट्स नॉट बिकॉज आई एम बॉर्न इन दिस ट्रेडिशन, बट आफ्टर स्टडिंग ऑल द स्क्रिप्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, आफ्टर स्टडिंग ऑल द स्कूल्स ऑफ थॉट ऑफ द वर्ल्ड, कन्विंस होकर के कह रहा हूं। ये आइडिया देखिए आप, एंड दिस आइडिया इज कमिंग 13,000 ईयर्स अगो। यो वै भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। जो विशाल है, जो अनंत है, जो लिमिटलेस है, वहीं पर सुख है। अल्प में सुख नहीं है, लिमिट जहां है, मर्यादा जहां है, वहां सुख नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा में जब नंद महोत्सव मनाया जाता है, वहां मैं कहता हूं, शब्द वहां तो आता है महामना। नंद बाबा के वहां जब लालन का प्रागट्य हुआ तो नंद बाबा महामना हो गए। महामना का अर्थ बड़े दिल वाले हुए। जहां दिल बड़ा होगा वहीं पर सुख है। यो वै भूमा तत्सुखम, मैं बार बार ये उपनिषद का वाक्य आपसे कहना चाहता हूं, याद रह जाए। यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। कई लोग कहते हैं 40 साल पहले माता पिताजी का पुराना मकान छोटा सा था, उसमें 4 भाई साथ में रहते थे, अलग अलग कमरा भी नहीं मिलता था सबको, एक ही कमरे में 4 भाई बिस्तर लगा के सो जाते थे। लेकिन उस समय जो आनंद था ना, वह 40 साल के बाद चारों भाइयों की अलग अलग बड़ी कोठियां हो गई, बड़े बिजनेसेस हो गए, चमकती गाड़ियां आ गई, समाज में प्रतिष्ठा आ गई, लेकिन वो पिताजी वाले छोटे मकान में साथ में रहने में जो मजा था वो ये बड़ी कोठी में नहीं है। कई लोगों का अनुभव है ना। क्यों? मकान बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए। वहां 4 भाई एक कमरे में बिस्तर लगा के साथ में सोते थे, यहां 4 भाइयों की विशाल कोठी, लेकिन उसमें फिर कंपैरिजन, कंपटीशन शुरू हो गई। वो कौन सी गाड़ी लाया, हमें भी वो लानी है। उसने कौन सा फर्नीचर कराया,
हमें भी वो करना है। इस बार वो फॉरेन कौन से कंट्री में गए, कौन से रिसोर्ट में रहे, हमें वहां रहना है, हमें ये करना। सुख गया, दिल छोटा हो गया। 13,000 वर्ष पहले भारतीय संस्कृति का ऋषि कहता है, यो वही भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। जहां विशालता है, जहां बड़ा दिल है, जहां मुट्ठी खुलती है। नंद महोत्सव कल हमारे यहां राम का प्रागट्य होगा, देखना नंद महोत्सव में भी लोग नंद के बहना दिखा होगा तुमने तो कथा में, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद हमेशा आनंद ऐसा ही होता है ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मैंने पिछले 35 वर्ष में कथाएं दुनिया भर में की है, अभी तक मैंने एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं देखा जो नाचते समय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की करे। मुट्ठी बंद करके आनंद हो सकता है? जहां भी आनंद करना है वहां मुट्ठी खोलनी। यो वै भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। आप खुलो ही नहीं, आप खिलो ही नहीं, इफ यू डोंट ओपन अप, सुख कहां से आएगा? खुलना चाहिए। कहीं पर आप गए, कोई सोशल फंक्शन में गए, कोई पार्टी में गए, कोई वेडिंग रिसेप्शन में गए, 500 आदमी वहां, आप खुलो ही नहीं, आप ऐसे ही, सुख मिलेगा? जैसे कोई मिला तुरंत तुम्हारा चेहरा खिल जाता है, वाओ सो नाइस टू सी यू, ओह यू लुक गॉर्जियस टुडे, खुले तो आनंद है। आप अपने में ही रहोगे, बार बार मिरर निकाल के अपने को ही देखते रहोगे, है सुख उसमें? यो वै भूमा तत् सुखम। प्रिय स्वजनों, इस सूत्र को याद रखना, यदि व्यक्ति ओपन अप होता है, फूल यदि बंद रह जाए तो वो फूल नहीं कहते, कली रहती है। फूल जब खुलता है, खिलता है, तब उसकी खुशबू महकने लगती है, उसमें फूल का सार्थक्य है। द फ्लावरनेस इज इन द ओपनिंग, इज इन द ब्लूमिंग, बंद रहने में नहीं है। मनुष्य का भी जो ह्यूमननेस है, द जॉय द ब्लिस इज इन द ब्लूमिंग। हमारे शास्त्र ये सिखाते हैं। हम जो ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं 9 दिन तक, उसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है राम, पूरी स्थिति में आप देखना, इट इज ऑलवेज ब्लूमिंग, ओपननेस। छोड़ो, शाम के समय बताया जाता है कि राम कल सुबह 8 बजे तुम्हारा राज्याभिषेक होने जा रहा है। जी पिताजी। और अभी तो सूरज निकले उससे पहले राम को पता चलता है अब राज्याभिषेक नहीं होने वाला, अब 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। ओके। सुनने में बहुत आसान लगता है। अरे शाम को कहा गया हो कि ब्रेकफास्ट में वॉफल्स मिलेंगे और सुबह जब हो जाए तो नहीं, वो वॉफल्स के आटे में क्या कहते हैं, वो फर्मेंटेशन होना चाहिए ना कुछ, वो ठीक से नहीं हुआ तो सॉरी आज जरा वॉफल्स कैंसल, इसका मूड खराब हो जाता है। अरे आज नहीं मिले, कल मिल जाएंगे वॉफल्स। यहां वॉफल नहीं था, राजगद्दी थी, चक्रवर्ती सम्राट पद था, सार्वभौम पद था, और वो छोड़कर जाना था 2-4 दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए। छोड़कर जाना कहां था, ऐसा नहीं कि अयोध्या शहर छोड़ के
10 किलोमीटर दूर फार्म हाउस में जाकर रहना है, वन में जाकर रहना था, जहां कोई प्रबंध नहीं था, कहां रहेंगे, क्या करेंगे, किससे मिलेंगे, कैसे जीवन बीतेगा। From the lap of ultimate luxuries, you are sprung into total uncertainty. Okay. यदि कैकेयी मां ये चाहती है तो ऐसा हो कितना बड़ा मन होना चाहिए जरा सोचिए आप। और तभी वो राम, राम शब्द का अर्थ है रमयंती, जो रममाण करते हैं, जो सबको सुखी करते हैं वो राम हैं। अपने लिए नहीं सोचते, उनको दूसरे के सुख। और ऐसा भी नहीं कहा कि मैं दुख सहन कर लूंगा, कहते हैं नहीं, वो दुख कहां है। राम तो कहते हैं कैकेयी माँ ने कितनी कृपा की, अयोध्या का राज्य मिलता तो इसकी तो बाउंड्री फिक्स थी, मुझे तो रवन का राजा बना दिया जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, वन का राज्य मुझे दिया है। इस व्यक्ति को कौन दुखी कर सकता है। प्रिय स्वजनों, रामायण ये जीवन में सुखी होने का शास्त्र है। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, हमारा सुख जो है ना वो कंडीशनल होता है, इतना 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 हो तो हम सुखी। श्री रामचंद्र जी बताते हैं रामायण में, सुखी यदि सही अर्थों में होना चाहते हो तो ये कंडीशन की लिस्ट फाड़ के फेंक दो, तभी सुखी हो जाओगे। हैप्पीनेस कैन नेवर बी कंडीशनल, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। यदि आपका सुख किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी परिस्थिति पर टिका है तो उसका अर्थ आप उस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के गुलाम है। यू आर स्लेव ऑफ दैट सिचुएशन, यू आर नॉट द मास्टर ऑफ योर हैप्पीनेस। सुख यहां होता है और वो कैसे पाया जाए वो रामचंद्र जी ने बताया। इसका अर्थ ये नहीं कि रामचंद्र जी सुख का, जिसको हम मटेरियल हैप्पीनेस कहते हैं, उसका विरोध करते थे, नहीं। बचपन में रहे पैलेस में, अच्छी तरह से रहे, और 14 वर्ष की वनवास पूर्ण करने के बाद भी वापस अयोध्या में आकर रहे तो अच्छी तरह से रहे। मिला सही है, नहीं मिला कोई बात नहीं, उससे मेरे सुख में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये शास्त्र सिखाते हैं। और दूसरी एक बात, व्यक्ति कब बन सकता है भूमा, वो अनंतता कब आ सकती है, एक ही बात है, यदि संवेदनशीलता रही, सेंसिटिविटी। जो व्यक्ति सेंसिटिव है, संवेदनशील है, इमोशनल है, वो ही अपनी मुट्ठी खोल सकता है किसी, नहीं तो किसी को देना ये तो बहुत कठिन काम है। अपने लिए व्यक्ति चाहे कुछ भी कर दे, अब देखना, दुकान में खरीदने जाएंगे ना तो सेल्समैन से कहेंगे भैया साड़ी दिखाना, हाँ बहना कैसी दिखाऊं, वो अच्छी वाली, नहीं अच्छी वाली नहीं, पूजा के लिए चाहिए, ओहो पूजा में रखनी है, हाँ तो फिर वो 200 रुपए वाली वहां मिलेगी। ये फर्क देखिए, मेरे लिए चाहिए तो अलग, दूसरे को देनी है तो अलग, पूजा में रखनी है वो तो बिल्कुल चलेगा। अपने लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, दूसरे के लिए जब छोड़ना की बारी आती है तब पता चलता है कि कैसे छूटे। संवेदनशील व्यक्ति ही बड़े दिल वाला हो सकता है। और आज क्या हुआ,
टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी का एक ट्रेजिक बाय प्रोडक्ट जो है वो है व्यक्ति हृदय शून्य हो रहा है। टेक्नोलॉजी ने व्यक्ति के इमोशंस को खत्म किया है। राहुल, दिस इज अ वंडरफुल सब्जेक्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट्री और अ मूवी। वी कैन डिस्कस एट लेंथ अबाउट दिस कि जो व्यक्ति जितना अधिक मशीनों के ऊपर डिपेंड होता जाता है, कनेक्ट होता जाता है, वो व्यक्ति उतना इमोशनलेस होता जाता है। पति पत्नी सोफा पर, एक ही सोफा के ऊपर बैठे हैं और दोनों अपने अपने सेलफोन में, अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं, लेकिन एक दूसरे से डिसकनेक्टेड है। परिवार में पांच लोग हों, ये पांच लोग साथ में मिलकर कब बैठे? पांचों जल्दी से याद नहीं आता। और कुछ संवाद करना हो तो नहीं, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है ना, फेस टू फेस बात नहीं हुई। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा बहना, मैं सब बाहर गांव की बातें करता हूं। दिल्ली वाले तो ओ हो क्या वो? कहने ही क्या दिल्ली के तो ये सब बाहर गांव वालों की बातें, जहां आपको लगे कि पैर के तलवों के नीचे पानी आ रहा है तो समझ लेना ये सब बाहर गांव वालों की बातें। टेक्नोलॉजी मनुष्य को संवेदनहीन बना रही है। बहुत पुरानी बात नहीं, 10-15 साल पहले की बात करूं, अरविंद जी बैंक में भी हम जाते थे ना, तो बैंक के पूरे स्टाफ के साथ परिचय होता था। चेक भी यदि डालना हो तो वहां पर जो क्लर्क बैठा है, अरे आइए साहब, दिखे नहीं 4-5 दिन से, कैसे हो? वो स्टैंप मारेगा चेक पे, लेकिन साहब कैसे हो, क्यों हो? समय जाता था थोड़ा, बैंक में से पैसे निकालने हो तो एक जगह पे चेक दो, वो टोकन देगा, फिर 5 मिनट राह देखो, परीक्षा करो, वो टोकन नंबर आएगा तब जाके। लेकिन वो कैशियर पूछता था, साहब कौन सी नोट चाहिए, कैसे हो, ठीक हो? अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई, यू डोंट हैव टू विजिट योर ब्रांच, डिजिटली होता है, आपके लैपटॉप से, आपके फोन से कर सकते हो, ATM में जा सकते हो। अब हमें पता भी नहीं है कि बैंक का स्टाफ कौन है, कैसा है, बैंक के स्टाफ को भी पता नहीं है कि इतना बड़ा अकाउंट मेंटेन करने वाला आदमी है कौन, उसके लिए आप एक केवल नंबर हैं। जो इमोशन थे, जो संबंध थे, जो रिलेशन थे, खत्म हो गए। ये बहुत बड़ा लॉस है। रेलवे की बुकिंग कराने जाते थे, इंक्वायरी करने जाते थे, वो बाबू ये ट्रेन कब आएगी, प्रश्न था, बात होती थी। अब पूरा फोन पे, और फोन पे भी जब करो तो उसमें भी प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस 3, प्रेस 4, इट टेक्स 20 मिनट्स टू रीच टू ए ह्यूमन वॉइस, बाकी तो डिजिटल वॉइस। टेक्नोलॉजी मनुष्य के इमोशंस को खत्म कर रही है, हृदय शून्यता आ रही है। ग्रंथों का अध्ययन इसलिए करना है कि हमारे भीतर का जो इमोशन है वो जागृत हो। जिसने व्यास को नहीं पढ़ा, जिसने वाल्मीकि को नहीं पढ़ा, भारत भूमि में जन्म लिया और रामायण पता ना हो, भारत भूमि में जन्म लिया और महाभारत पता ना हो, भारत भूमि में जन्म लिया और भागवत पता ना हो, उनको तो यह भी पता नहीं होगा कि क्या गंवा रहे हैं, व्हाट आर दे लूजिंग।
बहुत अच्छा मौका है, हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप से। रामायण समग्र विश्व का सबसे प्रथम महाकाव्य है। रामायण का अर्थ राम अयन, रामायण। और दूसरा अर्थ भी विद्वानों ने कहा जो व्याकरण सम्मत है, रामा अयन। अयन का अर्थ है गति, मार्ग। तो राम की गति, राम का मार्ग, पूरी रामायण की स्टोरी क्या है, जहां जहां राम जी गए वहां प्रसंग बनते गए और वो रामायण। और जिन्होंने कहा रामा अयन, रामा का अर्थ है सीता जी, आकारांत स्त्रीलिंगी, तो कहते हैं राम जी का नहीं, ये सीता का गति है, सीता का मार्ग बताता है, क्योंकि जहां सीता जी हैं वहां राम जी गए हैं। अयोध्या में तो थे, फिर मिथिला जाना था, तो विश्वामित्र जी तो बहाना था राक्षसों को मारना, कथा आएगी मैं बताऊंगा प्रसंग में। तो राम जी गए सीता जी के पास, सीता जी को अयोध्या ले आए, वन में गए, फिर रावण ने सीता का हरण किया, तो जहां जहां सीता जी गई वहां रामचंद्र जी गए। गति मार्ग, श्री राम के विचार और आचार का अयन। एक बात है, महाकाव्य है, विश्व का सबसे पहला महाकाव्य है पुरातन, फिर भी है सनातन। पुराण शब्द की व्याख्या ही है, पुरा अपि नूतनम तत्पुराणम, इट इज एंशियंट बट इट डजंट मीन दैट इट इज ऑब्सोलीट, इट इज इक्वली कंटेम्पररी। प्रत्येक युग में उसमें से पावरफुल मैसेज मिलते रहता है, क्योंकि युग बदलते हैं, मानव नहीं बदलता। मानव नहीं बदलता क्योंकि उसका मन नहीं बदलता, और चूंकि उसका मन नहीं बदलता इसलिए मनुष्य की समस्याएं भी नहीं बदलती। प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज द सेम। 5,000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले मनुष्य के जो इश्यूज थे, जो चैलेंजेस थी, वो ही आज भी हैं। उसका एकमात्र कारण है बदलते हुए युग के साथ, बदलती हुई समस्याओं के साथ मनुष्य का मन नहीं बदलता। मन वही, इसलिए समस्या का बाहरी रूप बदल जाता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस बदल जाती है, लेकिन बेसिकली समस्या वही रहती है। गुफा चली गई, मकान आ गए, लेकिन समस्या वही रही। धनुष्य बाण चले गए, मशीन गन आ गई, AK-47 आ गई, समस्या वही रही। घोड़े चले गए, मोटरसाइकिल्स आ गई, समस्या वही रही। तो रथ चले गए, मोटर कार आ गई, समस्या वही रही। क्यों? उस समस्या से यदि मुक्त होना होगा तो राम का अयन हमें समझना पड़ेगा। राम का अयन का अर्थ है हमारे विचार और आचार दोनों श्री राम जैसे बने, इसलिए रामायण का अध्ययन करना है। ये संसार में कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनके विचार राम जैसे हैं लेकिन आचार रावण जैसा होता है। भीतर से अच्छा सोचते हैं लेकिन बाहर से जब करने की बात आए तो वो कर नहीं सकते। कुछ लोग बाहर से राम जैसा आचार दिखाते हैं लेकिन भीतर से विचार रावण जैसे हैं। ये दोनों की तुलना यदि की जाए कि विचार राम जैसे और आचार रावण जैसा, और दूसरे विचार रावण जैसे
लेकिन आचार्य राम जैसा इनमें से बेहतर कौन चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है जिनके विचार रावण जैसे हैं और आचरण राम जैसा है वे लोग बड़े भयंकर हैं, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट हिपोक्रिट्स। आज दुनिया जो परेशान है ना वो ऐसे लोगों से है। बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, आचरण तो राम जैसा है, लेकिन भीतर रावण बैठा हुआ है। इनसे बहुत सावधान रहना। मनुष्य को यदि सुखी करना होगा तो उसके मन को बदलना पड़ेगा, और ये रामायण सत्संग मनुष्य के मन को बदलने की प्रक्रिया है। जितने भी पात्र आएंगे, चाहे वो भगवान रामचंद्र जी का हो, सीता का हो, लक्ष्मण का हो, भरत का हो, दशरथ हो, कौशल्या हो, सुमित्रा हो, कैकेयी हो, हनुमान जी हो, जटायु हो, शबरी हो, केवट हो, इस सभी पात्रों में से कुछ न कुछ सीखने जैसा है। ये यात्रा हम शुरू करें, मंगलाचरण की ओर जाएं, उससे पहले प्रिय स्वजनों आइए कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें, हरिस्मरण करें और फिर मंगलाचरण में गति करें। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। किस दे गुरु साचा सूरमा, और नख सिक मारी चोट। बाहर था सो धुल गया, और भीतर चकनाचूर। लौगी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना मेरी श्याम, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुवाई है मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई है मैंने तेरे नाम की। हाथ पकड़ मत छोड़ना मेरी श्याम, हाथ पकड़ मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना मेरे श्याम, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना मेरी शाम, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। दासी की विनती सुन लीजो, दासी की विनती सुन लीजो, दासी की विनती सुन लीजो, दासी की विनती सुन लीजो। बीच भंवर मत छोड़ना मेरे श्याम, बीच भंवर मत छोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जय राधे राधे गोपाला गिरधारी श्याम कन्हैया, जय राधे राधे गोपाला गिरधारी श्याम कन्हैया, गिरधारी श्याम कन्हैया, गिरधारी श्याम कन्हैया, गिरधारी श्याम कन्हैया। जय राधे राधे गोपाला गिरधारी श्याम कन्हैया, जय राधे राधे गोपाला गिरधारी श्याम कन्हैया, जय राधे राधे गोपाला गिरधारी श्याम कन्हैया। बोलबा की बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। रामायण में प्रवेश करें उससे पूर्व जो तीन ग्रंथ की मैंने बात की उसमें तीसरा ग्रंथ है। पहला वाल्मीकि रामायण, दूसरा अध्यात्म रामायण और तीसरा गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस। बहुत पुरानी बात नहीं है, केवल 450 वर्ष पहले रचना हुई, 455 years to be precise, 444, 45 years। प्रमाण है ग्रंथ में ही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कब लिखने का आरंभ किया? संवत 1631, संवत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये ग्रंथ लिखने का आरंभ किया। अब कौन सा संवत चल रहा है पता है? 2019 सबको पता है बस। पता हाँ, अभी ऐड कर लो आप। 2076वां चल रहा है विक्रम संवत। तो 2076 में से 1631 माइनस करो, 445 हुए। 445 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। ये तीन ग्रंथों का आश्रय लेकर के हम 9 दिन तक चिंतन करेंगे। रामायण जीवन दर्शन को आत्मदर्शन से जोड़ने वाला जीवंत काव्य है।
एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो घटनाएं होती हैं, महाभारत बहुत विशाल है, भागवत भी विशाल है, इतनी अलग 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 कहानियां, इतने सारे कैरेक्टर्स, इतने पात्र, इतनी स्टोरीज, उसमें भी फ्लैशबैक। तो कई बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं उसमें। इस दृष्टिकोण से आप देखो तो रामायण बड़ी सरल एक फैमिली की स्ट्रेट लाइन में जाती हुई कथा है। जीवन दर्शन को आत्मदर्शन के साथ, अब केवल जो अध्यात्म रामायण का आधार लेकर कहूं कि रामचंद्र को आप अयोध्या का राजकुमार समझो तो रामायण एक बहुत सुंदर कहानी बन जाएगी आपके लिए। इसलिए तो कितनी सारी मूवीज बनी, कितने ड्रामा बने, कितने अलग अलग फोक फॉर्म हुए, प्रति वर्ष नवरात्रि में नौ नौ दिन तक रामलीला होती है और इतनी ही भीड़ इकट्ठी होती है बार बार उसको देखने के लिए। तो कुछ ऐसा तत्व है जो लोगों को पकड़ के रखता है, इंटरेस्टिंग रखता है। कि उसी एक राम को केवल अयोध्या का राजकुमार न समझकर आत्मा समझ लो, द सोल, द स्पिरिट, और पूरी कथा का इंटरप्रिटेशन करो तो वो एक अध्यात्म दर्शन बन जाता है। इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। और स्पिरिचुअल जर्नी की बात आती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे बहुत बोरिंग होगा, या तो सीधा बाउंसर ही जाएगा, हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी कुछ बात। जरूरी नहीं है, जीवंत कथा है, इट्स अ लाइवली स्टोरी। वाल्मीकि रामायण की शुरुआत में वाल्मीकि जी नारद जी से एक प्रश्न पूछते हैं, और वो भी क्यों आया प्रश्न पूछने की बारी, वो भी बाद में प्रसंग आता है। कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। रत्नाकर नाम का एक व्यक्ति था जो लुटेरा था, जंगल में रहता था अपने परिवार के साथ, और जंगल में आते जाते जो यात्री होते पासरबाइज, उनको लूट लेता, मार डालता जरूरत पड़ती तो, ये उसका काम कारोबार। बरसों तक चला, मटेरियली वेल्दी भी हुआ, परिवार को रोटी कपड़ा और मकान बड़ी अच्छी तरह से उपलब्ध कराया उसने। एक दिन उसको एक गलत व्यक्ति मिल गया, नारद जी मिल गए। गलत व्यक्ति इसलिए कि अभी तक ये रत्नाकर जब किसी को लूटने जाता तो वो सामने वाला व्यक्ति डर जाता, प्रतिरोध करता, मत लो मुझसे कुछ, वो देना नहीं चाहता था, छोड़ना नहीं चाहता था, बचाना चाहता था, उसमें संघर्ष होता था। रत्नाकर लेना चाहता है, वो सामने वाला व्यक्ति बचाना चाहता है, और रत्नाकर तो हिंसक था, फिर मारता, ये करता। अभी तक जिसने भी दिया, या तो रत्नाकर ने जो लिया वो सामने वाले की प्रसन्नता से नहीं लिया था, या तो उसकी हाय से लिया था, या तो तिरस्कार से लिया था। पहला व्यक्ति उससे मिला कि रत्नाकर उससे कहता है रुक जाओ लूट लेंगे, नारद जी कहते हैं तैयार है लूट लो, लूटाने को ही आए हैं। ये संत है भारतवर्ष का, जो लूटने के लुटाने के लिए आया है, स्वयं को लुटा देता है। राम नाम की लूट है, लूटी सके तो तुम में ताकत चाहिए, लूट लो हमें, कितना लूटोगे। चौकन्ना रह गया रत्नाकर,
कमाल का आदमी है, कोई विरोध नहीं करता, कोई प्रतिरोध नहीं करता, कोई संघर्ष नहीं, कोई स्ट्रगल ही नहीं, खड़ा है ले लो जो चाहे वो। क्या दोगे? हमारी जो अद्भुत संपत्ति है वो तुम्हें देना चाहते हैं। न केवल हमारी दुनिया में, इससे बढ़कर और कोई संपत्ति नहीं है, वो तुम्हें देना चाहते हैं। अच्छा क्या है? राम नाम ले लो, राम ले लो। वो क्या होता है? अरे यही तो है अद्भुत संपत्ति। अभी तक जो तुमने लूटा वो तो बंधन है, पाप इकट्ठा किया तुमने। हम जो देते हैं वो बंधन नहीं है, मुक्ति है, पाप नहीं है, पुण्य है, आनंद है। अभी तक जो तुमने किया इकट्ठा किसके लिए? कहता है परिवार चलाने के लिए। अच्छा वो तुम्हारे पाप पे भागीदार बनेंगे? बनेंगे, अवश्य बनेंगे। उनके लिए तो मैंने, तुम्हारे कहने से क्या होता है? पूछ कर आओ इन लोगों से। रत्नाकर कहता, हाँ बड़े चालाक समझते हो अपने आप को, मैं परिवार जनों से पूछने जाऊं और तुम यहां से भाग निकलो। नारद जी कहते बांध लो। ये आश्चर्यजनक व्यक्ति है, स्वयं कहता है मुझे बांधो। कन्हैया भी यशोदा जी से कहता है ना, मां बांधो। बांध लो मुझे। पेड़ के साथ नारद जी को बांध करके गया है रत्नाकर। घर पे जाकर पूछा, माता पिता से पूछा, ये पाप की संपत्ति आई है ऐसा मुझे बताया गया है, लूट कर लाता हूं लोगों से, लेकिन मेरे पाप में तुम हिस्सेदार हो ना? माता पिता ने कहा कतई नहीं, हमने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, अब हमारी वृद्धावस्था आई है तो हमारा पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। कैसे करते हो हम नहीं देखते। पाप यदि होता है तो उसके भागीदार तुम हो, हम नहीं। पत्नी से जाकर पूछा, ये अच्छे अच्छे कपड़े जेवर सब पहन रखा है तो पार्टनर हो ना पाप में? पत्नी कहती है बिल्कुल नहीं, तुम लाते हो मैं स्वीकार करती हूं, लेकिन उसके लिए यदि तुम गलत काम करते हो तो उसमें मैं हिस्सेदार नहीं। भारतीय संस्कृति बड़ी अनूठी है। पति कोई पुण्य का काम करे तो पत्नी को आधा हिस्सा मिल जाता है, लेकिन पति पाप करे वो कह देती है वो इसमें मेरा हिस्सा, वो उसमें मैं पार्टनर नहीं, प्रॉफिट में पार्टनर हूं, लॉस में नहीं। पत्नी ने कह दिया नहीं होगा ये। संतानों से पूछा, संतान कहते हैं हम पाप में हिस्सेदार नहीं है, तुम हमें इस दुनिया में ले आए हो, हमें बड़ा करना तुम्हारा कर्तव्य है, हिस्सेदार नहीं। आंखें खुल गई रत्नाकर की, पहुंचा नारद जी। कहानी आप जानते हो, मैं थोड़ा अलग अंदाज से पेश कर रहा हूं केवल इतना ही। नारद जी ने राम नाम का मंत्र दिया, जप करने लगा रत्नाकर, राम 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 मंत्र का जप किया। कितना किया, कितने समय तक किया, देखिए द ब्यूटी ऑफ द पोएट्री। लेंथ ऑफ टाइम नहीं बताया कि एक हफ्ता किया, एक महीना किया, एक साल किया, छह साल, ऐसा नहीं बताया। तो राम 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 जप करते हुए मानो समाधि लग गई, इतनी समाधि सूक्ष्म हुई कि आसपास चींटियों ने अपना घर बना लिया। जंगल में होते हैं ना, बाबी बाबी, संस्कृत में उसे कहते हैं वल्मिक, संस्कृत शब्द है वल्मिक, बन गए आग पूरे, पता है जैसे लगता है कि मिट्टी का ढेर पड़ा है। हम जब जंगल में जाते हैं तो ऐसा दिखाई पड़ता है,
जागृति जब आई, आंख खोली और खड़े हुए, तो वो वल्मीक में से खड़े हुए, बांबी में से खड़े हुए, इसलिए नाम पड़ा वाल्मीकि, वन हु हैज कम आउट ऑफ दिस वल्मीक, बांबी में से। राम नाम लेने जब बैठे थे तो रत्नाकर लुटेरा था, बाहर जब आया समाधि में से जागृत हुआ तो ऋषि वाल्मीकि थे, बदल गए। अब कितना समय हुआ होगा कि व्यक्ति के शरीर के आसपास ऐसे ये बांबी बन लग जाए, व्यक्ति बदल चुका था। तमसा नदी के तट पर ऋषि वाल्मीकि भ्रमण कर रहे हैं, प्रातः काल का समय होगा। वृक्ष की डाली पर एक क्रौंच पक्षी का युगल बैठा है, मेल एंड फीमेल क्रौंच, और पीछे से किसी शिकारी ने तीर चलाया, सननननन तीर गया है, एक पक्षी नीचे गिरा, दूसरा पक्षी चीख रहा। प्रिय स्वजनों, जो रत्नाकर मनुष्यों को मारते समय सोचता नहीं था, आज एक पक्षी की मृत्यु को देखकर कांप उठा। जो वेदना हुई, हृदय में से शब्द प्रकट हुए, मानिषाद प्रतिष्ठात्वमगम शाश्वति समा, सक्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। शब्द तो प्रकट हो गए, आश्चर्य हुआ, ये मैं क्या बोल गया। देवर्षि नारद वहां आए, वाल्मीकि जी पूछते हैं मेरे मुख में से क्या प्रकट हुआ। नारद जी कहते हैं, तुम्हारे अंतःकरण का शोक श्लोक बनकर प्रकट हुआ है। दिस इज द फर्स्ट पोएट्री ऑफ द वर्ल्ड, रिकॉर्डेड पोएट्री, जो मीटर में लिखी जाती, उसके पहले मनुष्य के पास केवल प्रोज हैं, ऐसे जो प्रमाण मिलते हैं गुफाओं में, जो लिखी प्राचीन स्क्रिप्ट्स, उसको डिसाइफर करने वाले संशोधक, सारा प्रोज में था। ये पहली पोएट्री है, अनुष्टुप छंद, 32 अक्षर, 8-8 अक्षर के चार चरण। मानिषाद प्रतिष्ठात्वमगम शाश्वति समा, सक्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद, ये तूने क्या किया, हे शिकारी तूने क्या किया, ये तेरी प्रतिष्ठा नहीं होगी, तेरे बारे में कोई अच्छे शब्द नहीं कहेगा। ये पंछी का जोड़ा अपनी प्रेम क्रीड़ा में मग्न था, क्या बिगाड़ा था उसने तेरा, तूने वो जोड़े को तोड़ दिया। अब देखिए दृश्य क्या है, पंछी का जोड़ा प्रेममग्न है जंगल में, और शिकारी ने तीर चलाया, उस जोड़े को अलग किया। ये बीज है रामायण का, आगे जाके कथा बनी वो क्या बनी, राम और सीता ये पंछी का जोड़ा है, और रावण नाम का शिकारी इस जोड़े को अलग करता है। मानिषाद प्रतिष्ठात्वमगम शाश्वति समा, सक्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। सीड जो होता है, थीम लाइन, वो कहां से प्राप्त होती है, और फिर पूरी जो काव्य महाकाव्य ड्रामा डेवलप होता है पूरा,
सीड वहां है, सहन नहीं कर सका, तो इमोशन है इसमें। यदि कोई दो पात्र के बीच में प्रेम है तो रहने दो उनको साथ में, क्यों तोड़ रहे हो, उनके प्रेम में दीवार क्यों बन रहे हो, इन दो प्रेमियों को अलग क्यों कर रहे हो। रावण मत बनो, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, चूंकि तुम्हारे पास पावर है, चूंकि तुम्हारे पास पोजीशन है, चूंकि तुम समझते हो कि तुम्हारे पास बुद्धि है, चूंकि तुम्हारे पास वेपन्स हैं, इसलिए तुम ये कर सकते हो। उससे आगे चलकर देखें तो ऑलवेज देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। शिकारी ये हैव का प्रतीक है, शक्तिशाली है, मानव है, बुद्धिमान है, वेपन्स है उसके पास, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और जो वहां पर बैठे वो हैव नॉट है, लेकिन वो अपने जीवन में अपने उसमें मस्त है, अपना जीवन बिता रहे हैं वो लोग। हैव नॉट को हैव से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये हैव वाला चाहता है कि हैव नॉट का जितना एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके, जितना शोषण किया जा सके, और उसमें ये हैव को एक प्रकार का अपना शक्ति प्रदर्शन का मौका मिलता है। मैंने कुछ किया, डिस्ट्रक्टिव ही सही, मैंने कुछ किया। शिकारी क्राउंच को न मारता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन शिकारी के तीर चलाने से क्राउंच को बहुत फर्क पड़ जाता है। हैव यदि हैव नॉट को परेशान न करे तो हैव को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाता है, लेकिन हैव नॉट को बहुत फर्क पड़ता है। एक्सप्लॉयटेशन, यही आपने बताया ना राहुल की डॉक्यूमेंट्री, बेटा इसी पर ना कोई ऑफिस में, या आपने कुछ मुझे सब्जेक्ट बताया, एम आई राइट, लेबर एंड मशीन्स, हाँ, फर्क बहुत पड़ जाता है। मानिषाद प्रतिष्ठात, मैं आज पहले दिन केवल एक खिड़की खोल रहा हूं ताकि अलग नजरिए से आप राम कथा को देख सको, हमने उसे केवल एक कहानी के रूप में देखा, अभी तो और रंग भरेंगे इसमें। एक ऐसा सागर है जिसकी गहराइयों में जाकर के मोती बाहर ले आएंगे, अभी तक आपने केवल रामायण के सागर के बाहर कहानियों में केवल छप छप किया होगा बस। और एक संत तो, हाँ हमें पता है ना रामायण में क्या होता है, हमें पता है ना क्या होता है, अब जब 9 दिन की यात्रा पर चलोगे तो पता चलेगा कितना पता नहीं है। वो क्या तत्व है जिसकी वजह से ये ग्रंथ हजारों वर्ष तक टिका है, लोगों के घर घर में जीवन में प्रवेश कर गया। आज अच्छी से अच्छी बुक्स आती हैं, पब्लिकेशंस आते हैं, और अपना तो काम ही है पब्लिकेशंस का, टॉप 10 के चार्ट में आती है, बेस्ट सेलर के लिस्ट में आती है, 6 महीने 8 महीने साल भर के बाद 50% डिस्काउंट में बेच देना पड़ता है उसको। हरिपुत्र की किताब जब आती है ना, लोग अगली रात से लाइन लगाते हैं, ऐसा सुना है मैंने। हरिपुत्र अगली रात से लोग लाइन लगाते हैं कि वी नीड अ कॉपी, और 4-6 महीने के बाद तो वो गार्बेज में मिलती है। क्या बात है कि हजारों वर्ष के बाद भी इस पुस्तक की, इस ग्रंथ की पूजा की जाती है, जैसे भगवान की पूजा करते हैं इसके, ऐसी इस पूजा करते हैं इसकी। कुछ है अवश्य, और
मेरे तो जीवन का मिशन है, बहना सोनल जानती है बरसों से, कि जो भी हमारे ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे वो भागवत हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे रामायण हो, उनकी गहराइयों में गोता लगा करके रत्न प्रकट किए जाए, है ना। तभी वो आने वाले हजारों वर्षों तक रहेंगे। मॉडर्न जनरेशन जो मिस कर रही है वो उनके साथ शेयर किया जाए। केवल कहानी की बुक समझ के उसको साइड पे मत कर दो, ये जीवन के शास्त्र हैं। नारद जी ने जब कहा कि ये श्लोक प्रकट हुआ है, तुम साहित्य की रचना करो, तो वाल्मीकि ऋषि ने पूछा कि यदि मुझे कोई महाकाव्य लिखना है जो हजारों वर्षों तक समाज को मार्गदर्शन करता रहे, तो उसके लिए मुझे कोई सेंट्रल कैरेक्टर चाहिए, कोई हीरो चाहिए, कोई आदर्श चाहिए, किसके आसपास ये मैं पूरी कथा का गठन करूं। कौन्वस्मिन् साम्प्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का दूसरा श्लोक। वाल्मीकि जी पूछते हैं नारद मुनि से, मैं किसके बारे में लिखूं, कौन है ऐसा, कौन्वस्मिन् साम्प्रतम लोके गुणवान कश्य। इस सांप्रत लोक में देखिए, कॉन्टेम्पररी बनानी है इस बात को, मुझे एंशियंट नहीं बनानी है, केवल हिस्टोरिकल नहीं बनानी है। जब भी मनुष्य इस ग्रंथ को खोलकर पढ़े तो उसे वो कंटेम्पररी लगना चाहिए। मैं ऐसा ग्रंथ बनाना चाहता हूं जिसको लोग चित्र की तरह ना देखें, आईने की तरह देखें। याद रखना, चित्र हिस्टोरिकल हो जाता है, चित्र एंशियंट हो जाता है, और वो एंशियंट का तो वैल्यू भी बढ़ जाती है ना, क्या कहते हैं उसको, बहुत पूरा हेरिटेज आर्ट, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आईना चाहे कितना भी पुराना हो, हेरिटेज नहीं होता, आईना हमेशा कंटेम्पररी होता है, क्योंकि आईना स्वयं पुराना भले हो लेकिन जो दिखाता है वो तो वर्तमान दिखाता है आपको। हमारे शास्त्र जो बने वो आईने की तरह बने, तो इसे आप चित्र की तरह मत देखना, नहीं तो एंटरटेनमेंट आएगी, इसमें आनंद आएगा आपको, उसमें भी कोई नुकसान तो नहीं है चित्र की तरह। अभी तक ज्यादातर हमें ऐसे ही सिखाया गया कि ग्रंथों को तो एक चित्र की तरह देखो, और चित्र की तरह देखने में होता क्या है पता है, हम सेल्फ अपॉइंटेड क्रिटिक बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, हाँ ये सही कहा, ओ दिस इज नाइस, ओ दिस इज फैंटास्टिक, दिस इज नॉट राइट, आई डोंट अग्री टू दिस। उस कलाकार की मेहनत को समझना दूर, सब लोग अपने अपने स्वयं क्रिटिक हो जाते हैं। फिल्म वर्ल्ड से कई लोगों से जुड़ा हूं, तो कई बार वो कहते हैं कि हम डेढ़ डेढ़ दो दो साल तक मेहनत करते हैं, स्क्रिप्टिंग से लेकर के म्यूजिक, एक 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 डिपार्टमेंट, एडिटिंग, सब आर्टिस्टों की इसमें मेहनत होती है, डायरेक्टर की कितनी बड़ी टीम रहती है, असिस्टेंट डायरेक्टर, मेकअप मैन, लाइट बॉय, ये सब इतने सारे लोग, कितने लोगों की मेहनत, छह महीना, साल, डेढ़ साल, दो साल की, और वो ढाई घंटे में थिएटर में से बाहर आते हुए कहता है मजा नहीं आया, तो ढाई घंटे में ऊह कर देता, कितना बड़ा कलेक्टिव एफर्ट हो। तो कोई भी कला चित्र की तरह या देखोगे आप, ग्रंथ तो आप कर सकते हो, हाँ ये अच्छा नहीं हुआ, इफ आई वर देयर आई वुड नॉट हैव डन दिस, क्रिटिक बन जाते हो। हमारे ग्रंथों को चित्र की तरह मत देखना, आईने की तरह देखना, यदि उसमें कुछ दिखाई पड़ता है अच्छा, वो तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है, और यदि उसमें कुछ दोष दिखाई पड़ता है तो वो दिखाता है तुम्हें कि तुम्हारे भीतर कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है।
हमारे भीतर राम भी है, हमारे भीतर रावण भी है। कुमति सुमति, आओ सुंदरकांड की चौपाई, विभीषण के शब्द हैं, आएगा सुंदरकांड में बताऊंगा आपको डिटेल में। आए कुमति सुमति सब के कुमति सुमति सब के ओर रहे नाथ पुराण निगम अस कही तीसवें पन्ने पर 181वीं चौपाई जो है जो भी गा रहे हैं। कुमति सुमति सबके उड़ रहा है, सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, सभी के अंतःकरण में सुमति भी है कुमति भी है, सभी के अंतःकरण में राम भी बसे हैं रावण भी बसा है। नाथ पुराण निगम अस कहहि, ये पूरी मानवता के इतिहास का प्रमाण है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति होगी वहां विपत्ति आएगी, जहां सुमति होगी वहां संपत्ति चली आएगी। है सभी के भीतर, राम भी है रावण भी, और यही हमारे शास्त्रकारों की महानता है। उन्होंने सभी कैरेक्टर्स के सारे रंग दिखाए। अब महाभारत देखें, रामायण देखें, वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी के भी दोष बताए हैं वाल्मीकि रामायण में, उनकी मर्यादाएं बताई और रावण के गुण भी बताए हैं। लाइफ इज नॉट जस्ट व्हाइट, इट इज नॉट जस्ट ब्लैक, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ग्रे। अच्छाई भी है हमारे अंदर, बुराई भी है, फर्क केवल इतना है आप किसको प्रकट करते हो, कंसिस्टेंटली किसको बाहर लाने का प्रयास कर रहे हो। एक छोटे से बालक ने पिता से पूछा प्रश्न, डैड ये समाज में बुरे लोग भी क्यों होते हैं, सब अच्छे ही लोग होने चाहिए ना। डैड ने कहा बेटा केवल समाज में नहीं सब जगह होते हैं। दृष्टांत देकर बताया कि जो व्यक्ति जिसमें ज्यादा ध्यान देता है वो रंग उसका बाहर आ जाता है। सफेद पे ध्यान देगा सफेद बाहर आएगा, काले पे ध्यान देगा काला बाहर आएगा, सद्गुण पर ध्यान देगा सद्गुण बाहर आएगा, दुर्गुण पर ध्यान देगा दुर्गुण बाहर आएगा। छोटे से बालक को समझाना था, कहानी से बताया पिता ने कि बेटा समझो दो बेयर्स हैं, छोटे बच्चों के पास बेयर होता है ना वो टेडी बेयर, दो बेयर्स, दो बेयर लड़ेंगे तो उसमें कौन जीतेगा। बच्चे ने कहा स्वाभाविक है जो पावरफुल बैर है वो जीतेगा। डैड ने पूछा बेटा डैड बैर पावरफुल कैसे बनता है। बालक ने कहा हुम वी फीड द मोस्ट, जिसको हम ज्यादा खिलाते हैं वो ज्यादा पावरफुल बनता है। डैड ने कहा बस यही किमिया है, हमारे भीतर भी काला बैर भी है सफेद बैर भी है, कुमति भी है सुमति भी है, जिसको हम ज्यादा फीड करते हैं वो पावरफुल बनता है, हमारे हाथ में है प्रगट उससे करना है। किसके आसपास में लिखूं, गुणवान कश्च वीर्यवान, मेरा जो हीरो हो वो गुणवान होना चाहिए, मेरिटोरियस होना चाहिए, इतना ही नहीं वीर्यवान पराक्रमी होना चाहिए। याद रखना समाज हमेशा शक्तिमान की पूजा करता, कभी कायरों की प्रतिष्ठा नहीं की गई। वाल्मीकि जी पूछते हैं मेरा जो रोल मॉडल हो जिसके आसपास में महाकाव्य की रचना करूं, वो पहली बात तो गुणवान हो साथ में वीर्यवान हो, गुणी हो लेकिन वीर्यवान न हो पराक्रमी न हो तो वो गुण किस काम के।
हम अच्छे हैं लेकिन बुराई को मिटाने के लिए कुछ कर नहीं सकते। घर में बैठ के राम 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 करते हैं, बाहर सब बुरा चल रहा है, एंड वी डू नथिंग टू स्टॉप इट। ये सद्गुण को ज्यादा महत्व नहीं है। प्रिय सज्जनों, आप बार बार कथा में सुनते होंगे, क्रोध को निकाल दो, क्रोध बुरी चीज है, क्रोध मत करो। मेरी व्यासपीठ से यह बात कभी प्रकट नहीं होती। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं कहता हूं क्रोध करो, नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि क्रोध अच्छी आवश्यक बात है, लेकिन क्रोध निकाल दो, इट्स अ वेरी रिस्की स्टेटमेंट। वेदों का अध्ययन जब करते हैं अष्टाध्यायी में ऋषि मांगते हैं, शिव की उपासना जब होती है, ऋषि मांगते हैं कि मुझे आक्रोश चाहिए। बोलो मंत्र, प्रदिश्चमे जगने न कल्पन्ताम्। ये बहुत सारी बातें, पूरा अध्याय है। ऋषियों ने मांगा है मुझे ये चमे चमे करता, मुझे चाहिए, वो लिस्ट में है। मन्युश्चमे, मन्यु का अर्थ है आक्रोश, चाहिए। ये सब क्यों चाहिए? जगने न कल्पन्ताम्, यज्ञ के लिए चाहिए, मुझे समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण करना है, इसलिए चाहिए। वो लिस्ट में है मन्यु, मन्यु का अर्थ है आक्रोश। वेद कहते हैं, और कहा क्रोध मत करो, हाँ छोटी छोटी बातों में मत करो, आक्रोश तो होना चाहिए। छोटा सा दृष्टांत देता हूं, आप अपने फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में खड़े हैं, सामने नुक्कड़ पे पनवाड़ी की दुकान है, वहां चार बकरे खड़े हैं, वो पान चबाने वाले बकरे ही तो होते हैं। एक संस्कारी परिवार की सुंदर कन्या युवती रास्ते से गुजर रही है और वो चार में से एक बकरा इस युवती की ओर देख के कोई अभद्र कमेंट करता है, और वो कमेंट सुन के वो खुद तो ही करता है, बाकी के तीन भी ही करते। ये दृश्य फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से आपने देखा। माय क्वेश्चन टू यू इज, ये दृश्य देखने के बाद आप क्या करोगे? ऑप्शंस, ऑप्शन ए, चार के साथ तुम भी पांचवे ही करोगे। ऑप्शन बी, आपने वो दृश्य देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, ऐसा समझ के इधर उधर देखने लगोगे। ऑप्शन सी, ये कन्या के परिवार को आप जानते हो, ये कन्या जाकर घर पे बताएगी उसके पांच भाई हैं, पांचों मिलकर अपने दोस्तों के साथ आएंगे और ये चारों की बैंड बजा देंगे, कुछ होने वाला है, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है, उनका किया वो जाने, खिड़की बंद करके अंदर बैठ जाओगे। और ऑप्शन डी, नीचे उतरकर जिसने इस कन्या को अभद्र भाषा में कहा, कान के नीचे ऐसा एक बजाओगे उसको कि जीवन भर किसी कन्या के सामने आंख उठा के देखने की उसकी हिम्मत ना हो। क्या करोगे? ऑप्शन ए बी सी डी में से डी, राइट? उसके लिए आक्रोश चाहिए कि नहीं? लहू गर्म होना चाहिए ना। अब कहो क्रोध मत करो,
कहना बड़ा आसान है, समाज में होगा क्या? अन्याय के सामने आवाज कौन उठाएगा? यदि अच्छे लोगों ने आवाज उठाना बंद कर दिया, आक्रोश बंद कर दिया, तो बुरे लोगों को तो मजा आ जाएगा। मन्यो चाहिए। हाँ, छोटी छोटी बात, दाल में नमक कम है, अरे डाल दे ऊपर से, उसमें क्रोध क्या कर रहा है? ये कोई क्रोध करने की वस्तु है? लोग बेकार की फिजूल बातों में क्रोध करते रहते हैं, और जहां व्यक्त करना चाहिए अपना मन्यु वहां नहीं करते। मन्युश्चमे, वीर्यवान हीरो जो हो, समाज का आदर्श हो, पराक्रमी होना चाहिए। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, धर्म को जानने वाला चाहिए। किसी ने यदि हमारे पर उपकार किए हैं तो उपकारों को जानने वाला, समझने वाला चाहिए। सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, सत्यवाक्य चाहिए और दृढ़व्रत। बहुत सारे लिस्ट बताए हैं। नारद जी कहते हैं, वाल्मीकि ऐसा जो तुम्हें आदर्श चाहिए तो इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुतः। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ राम जो है, लोग उसे पहचानते हैं, आदर करते हैं, उसमें ये सारे गुण हैं। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी, हीरो मिल गया। और वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। संस्कृत भाषा लोग समझना जब कम हो गए तो 445 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सरल भाषा में, यूपी में भी और उसमें भी डायलेक्ट अवधी बोली में, रामचरितमानस की रचना की। और वो समय ऐसा था जहां विदेशी आक्रमण से समाज ग्रस्त था, पीसा हुआ था, आवाज उठाने की लोगों की हिम्मत नहीं थी। ऐसे समय में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, सनातन वैदिक संस्कृति के समाज में नई चेतना का संचार किया है। याद रखना, वर्ल्ड हिस्ट्री देखो, जब कोई समाज, कोई राष्ट्र बाहरी आक्रमणकारों से दबा हुआ होता है और उनका जब सामना नहीं कर सकता, तब लोग आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी। आप संस्था में भी देखना, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में देखना, इवन फैमिली में देखना, बहुत कम लोग इतने समझदार होते हैं कि जब प्रॉब्लम आए तो फैमिली एक साथ में खड़ा रह जाए। सब जब ठीक चलता है ना कारोबार, और तो सब आनंद है, वाह वाह वाह। चैलेंज जहां पर आई कि एक दूसरे पर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। बड़ा भाई कहेगा, नहीं तेरी वजह से हुआ, तूने गलत निर्णय लिया। छोटा भाई कहेगा, नहीं तुम्हारी वजह से हुआ। मझला भाई कुछ और कहेगा। माताओं में, बहनों में, अंदर भीतर में, वो सब लेडीज में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना शुरू हो जाएगा। समझना, ये आप टूटने की निशानी है। जब सबका अच्छा चलता था तब सब ठीक था। चैलेंज आई कि एक दूसरे के ऊपर लड़ने लगे आप। 450 वर्ष पहले ये स्थिति थी कि बाहरी आक्रमणों से दबा हुआ समाज आपस में टूटने चालू हो गया था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये इसको नहीं देखेगा। वहां सुप्रीमसी नहीं दिखा सकते, आपसी में सुप्रीमसी दिखा रहे। वो हरिजन है, तुम हमारे यहां नहीं आओगे, हम तुम्हें नहीं छुएंगे, हम तुम्हारे साथ खाना नहीं खाएंगे, तुम हमारे साथ नहीं बैठोगे। और उसमें मैं तुम्हारे वहां खाना नहीं खाता हूं इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं, वो कहता है मैं दिन में 3 बार नहाता हूं इसलिए मैं अच्छा हूं। ऐसी चीजों में समाज बिखर गया था। उस समय श्री रामचरितमानस के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास ने नई चेतना कि देखो भगवान सबके हैं। अयोध्या का ये राजकुमार निषाद राज गुह के साथ भी बैठता है, शबरी के बेर भी आरोगता है, सुग्रीव को मित्र भी बनाता है, सबको गले लगाता है। समाज एक है,
नगरवासी वनवासी ये जो अलग अलग विभाग में बंटे हुए थे, मैंने हरि सत्संग समिति की कथा में ये बात विषय में और डिटेल में ले कि वो जो अंतर था, नगरवासी वनवासी की ओर नहीं देखते थे। वनवासी समझते थे हम तो बहुत अच्छे हैं, ये सब बिगड़ गए लोग हैं। राम जी सबके हैं, ये सामाजिक समानता लाए, वैचारिक समन्वय। सब लोगों ने अपने अपने अलग भगवान बना लिए थे, और उसमें विशेष करके आप इतिहास देखो, शैव और वैष्णव का संघर्ष तो बहुत रहता। शिव जी के भक्त विष्णु को नहीं मानते, विष्णु के भक्त शिव को नहीं मानते, हमारे भगवान और तुम्हारे भगवान। कई परिवारों में भी देखो आप, एक परिवार में मंदिर में दो अलग अलग सेट बने होते। पत्नी कहती है मेरी पूजा चल रही है, आप बाद में करना। पति कहता है मुझे जल्दी जाना है, तेरी पूजा पूरी कर जल्दी। ये तेरे भगवान को धूप लगाए, मेरी ओर आ रहा है। एक परिवार में अलग अलग भगवान, अलग अलग ये समाज टूटा हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस ने वैचारिक समन्वय लाए, ज्ञान और भक्ति का समन्वय किया, शैव और वैष्णव का समन्वय किया, और प्रूव की इस बात को कि रामायण का जो संदेश है वो समग्र मानव जाति के लिए है। इसलिए रामचरितमानस का प्रथम शब्द देखिए पुस्तक में आपके पास है, मानस सुधा में जो छठा पद्ना, पहले श्लोक का पहला शब्द है वर्ण। और रामचरितमानस जब पूरा होता है 53वें पन्ने पर, अंतिम श्लोक देखिए 292वां, उसका अंतिम शब्द है मानवाहा। ते संसार पतंग घोर किरणैर दहियंतिनो मानवा। पहला शब्द वर्ण, अंतिम शब्द मानवा। रामायण की कथा किसके लिए है? जिसका भी वर्ण मानव है, जो मनुष्य है उसके लिए ये कथा है, मानव मात्र के लिए। हमारे ग्रंथ अलग, हमारे विचार अलग, हमारे भगवान अलग, हमारे नहीं, मानव हो तो इस कथा से तुम्हें प्रेरणा मिलेगी। ऐसी ये सुंदर रचना की है। थोड़ा सा परिचय दे दूं, रामायण में 7 कांड हैं। ये मानो जीवन की 7 सीढ़ियां हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। लंका कांड को युद्ध कांड भी कहते हैं और उत्तरकांड। ये 7 सीढ़ी हैं मुक्ति की ओर। सबसे पहला है बाल कांड। बाल कांड हमें बताता है भक्ति मार्ग में यदि आगे बढ़ना हो तो बालक जैसे बनो, चाइल्डिश नहीं, चाइल्ड लाइक। बालक निर्दोष होता है। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो निर्दोष बनो। बालक का सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है पता है? बालक भूल जाता है, कुछ याद नहीं रखता, पकड़ के नहीं रखता बालक। भक्ति मार्ग में यदि आगे बढ़ना है तो ये भूलना सीखो। देखिए पड़ोस के 2 बालक होंगे, निर्दोष बालक, खेलते होंगे साथ में, खेल ही खेल में यदि उनका कोई झगड़ा भी हो जाए, चिल्लाएंगे, रोएंगे, एक दूसरे के बाल नोचेंगे, और दोनों की मम्मी आके दोनों को अलग कर दे, एक दूसरे की ओर चिल्लाती हुई, तेरे बेटे को संभाल, तेरे बेटे को कुछ सिखा,
15-20 मिनट के अंदर वो दोनों बालक अपने अपने घर के दरवाजे से बाहर देख के, वो पहले तो कट्टी कर दी थी ना, लेकिन बाहर निकल के कहते अब्बू जी चलो वापस खेलना। 15 मिनट में बालक भूल जाता है, लेकिन बालक के इस झगड़े से जो दो माताओं में झगड़ा हुआ वो 10 साल चलता है। बालक भूल जाता है। जीवन में सुखी होना हो, भक्ति मार्ग पर अग्रसर होना हो, तो प्रिय स्वजनों ये भूलना सीख जाओ। हम बहुत याद रखते हैं और बेकार में याद रखते हैं। ऐसे गोडाउन भूसे से भर रखा है, फिर कहते हैं मन में शांति नहीं है, प्रसन्न कहां से आई, ये भूसा निकालो पहले। बालक जैसे बनो। जीसस क्राइस्ट को एक बार प्रश्न पूछा गया, हम जो स्वर्ग कहते हैं ना, जीसस उसे किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं। तो जीसस से पूछा गया कि आपके ये किंगडम ऑफ गॉड में एंट्री किसको मिलेगी। सामने कोई बालक बैठा था, उसे उठा करके जीसस ने टेबल पर रख दिया, कहा इसको, दोज हु कैन बी चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश बनना तो बन ही जाते हैं, उसमें भी 60+ उम्र होने के बाद फिर से चाइल्डिश हो जाते हैं, लेकिन चाइल्ड लाइक बनना। दूसरा आता है अयोध्या कांड। अयोध्या शब्द की व्याख्या है युद्धम अशक्या अयोध्या, जिसको जीत नहीं सकते। क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि जहां युद्ध होता ही नहीं। देखिए, युद्ध होगा तो कोई ना कोई जीतेगा, कोई हारेगा, लेकिन जहां युद्ध ही ना हो तो फिर हार जीत का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। आप पूरी रामायण की कथा देखें, सभी कांडों में कहीं ना कहीं कोई युद्ध है। अयोध्या कांड ऐसा है जहां कोई युद्ध ही नहीं। इसलिए महात्मा लोग तो कहते हैं कि घर में यदि शांति की स्थापना करनी हो तो घर में प्रतिदिन अयोध्या कांड का पाठ करो, और घर वाले करें। पंडित जी आकर कर जाए तो पंडित जी के घर में शांति होगी। ये जो आउटसोर्सिंग हम करने लगे हैं ना, कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, कोई सात्विक ब्राह्मण का परिवार चलेगा तो मैं खुश हूं उसमें। परमात्मा ने आपको संपत्ति दी है और आपकी दक्षिणा से कोई ब्राह्मण का घर चलता है तो मैं राजी हूं उसमें, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टिंग से आपका काम हो जाएगा ये मैं नहीं मानता। आप करें अयोध्या कांड। अरण्य कांड ये बताता है कि जीवन में धीरे 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 संयम की शुरुआत करें। एक एक कांड जब आएगा तब देखेंगे डिटेल में। लोग यूजुअली अरण्य की सोचते हैं 70-80 के बाद। पापा रिटायर हो गए ना, अब फार्म हाउस में रहते हैं। अरण्य कांड, रामचंद्र जी युवावस्था में अरण्य में गए हैं, भर जवानी में। जीवन में थोड़ा सा प्रकृति के पास भी रहो, नेचर के पास भी रहो, भक्ति मार्ग के लिए यह अत्यंत उपकारक है। वन में जाते हो ना, फॉरेस्ट में, संसार में एक ही काम होता है, निरंतर हमारे ईगो को बूस्टअप किया जाता है, अहंकार को फुसलाया जाता है, और हमें अच्छा भी लगता है उसमें। अधिकतर आर्टिफिशियल होता है, कभी कभी जेन्युइन होता है। आप जिसको सोशलाइजिंग कहते हैं वो क्या है पता है? यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, ये सोशलाइजिंग है। कहीं भी आप पार्टी में गए, सोशल फंक्शन में गए, ओ You look so nice, really?
चेहरा घूमने के बाद क्या शब्द निकलते हैं फिर? अरे बहुत दिनों से मिले आपकी, है ना, बहुत याद आ रही थी. अच्छा, आर यू श्योर? जरा सा पीठ घूमी, दूसरे से क्या कहेंगे, क्या समझते हैं पता नहीं अपने आप को. संसार आपके अहंकार को फुसलाता है, यही संसार है. प्रकृति के पास जब जाते हैं, अरण्य में जाते हैं, वहां अहंकार को कोई स्थान नहीं. इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा, कुछ समय जंगल में भी बिताओ. अहंकार कंट्रोल किसको दिखाओगे, क्या दिखाओगे? आपका डिजाइनर ड्रेस, आपका एक्सपेंसिव मोबाइल, आपकी चमकीली कार समाज में दिखाओगे. कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग जलेंगे, दोनों से आप तो खुश ही होंगे. लेकिन जंगल में जाओ, ये आपका डिजाइनर ड्रेस किसको दिखाओगे जंगल में? इट विल फील सो वर्थलेस. आपकी चमकीली कार किसको दिखा रहे? यूं समाज में तन के चलते हो, सर ऊंचा करके. जंगल में जाके ऊंचा करो, किसके सामने कर रहे हो? पेड़ आपसे ऊंचे हैं, पहाड़ उनसे ऊंचे हैं, बादल उनसे भी ऊंचे हैं. और ये सब जब देखोगे तो अपने आप सर नीचे आ जाएगा, ईगो कंट्रोल में आ जाएगा, किसके सामने दिखा रहे हैं. एंड यू नो व्हाट, nobody really cares in forest. आपने क्या पहन रखा है, आप कौन से गैजेट्स यूज करते हो, कौन थे, किसको पड़ी है? इसलिए अरण्य कांड में जाना है कि अपने अहंकार के गुब्बारे में से हवा निकल जाए. युवानी में भी ये करिए कुछ समय, आपको आपके सौंदर्य का, क्योंकि जवानी में सभी को अपने सौंदर्य का अहंकार होता है, मेरे जैसा तो कोई नहीं. जंगल में जाके देखो, पता चलेगा nobody cares for your looks. अहंकार. उसके बाद आता है किष्किंधा कांड. सुग्रीव के साथ मैत्री की है. सुग्रीव का अर्थ है, ग्रीव का अर्थ है कंठ, गर्दन. सु सुंदर, जिसकी गर्दन सुंदर है वो सुग्रीव, उसके साथ मैत्री. गर्दन किसकी सुंदर है? बड़े बड़े सेट पहने हुए उसकी गर्दन सुंदर है? जिसकी गर्दन में, जिसकी कंठ में भगवान का नाम है वो सुग्रीव है. और ऐसे लोगों से जब मैत्री होगी, ऐसे लोगों से मिलना जुलना होगा, तो जीवन में भक्ति को बढ़ावा मिलेगा. पांचवा आता है सुंदर कांड, बड़ा प्यारा है. श्रीमद् भागवत में जो स्थान दशम स्कंद को है, रामायण में वही महत्व सुंदर कांड को है. उस पर चिंतन करेंगे, आनंद आएगा. युद्ध कांड है. अज्ञान से जो उत्पन्न हुए हैं विचार विकार, उनको ज्ञान से हनन करना, यह युद्ध कांड है. और अंतिम उत्तर कांड, दुर्गुण रूपी राक्षस यदि मरेंगे तो जीवन का जो उत्तर कांड है, उत्तरावस्था है, वो बड़ी मंगलमय, बड़ी शांत बीतती है. यह उत्तर कांड. उत्तर कांड में ज्ञान और भक्ति का मधुर समन्वय है. इस फाउंडेशन के साथ प्रिय स्वजनों, आइए रामचरितमानस में प्रवेश करें. गोस्वामी तुलसीदास जी आरंभ में 7 श्लोकों में मंगलाचरण करते हैं. पुस्तक में आपके पास ये 7 श्लोक हैं, पेज नंबर 6 पर. संस्कृत में 7 श्लोकों में गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया है. हम सब साथ में ये 7 श्लोक बोलेंगे.
वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोहं राम वल्लभां यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्ब्रह्मः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितीर्षावतां वंदे हन्तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। पुस्तक हाथ में रखना, अर्थ समझने से आनंद आएगा। प्रथम श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मां सरस्वती और विनायक गणेश जी को स्मरण किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम सभी का मंगल करने वाले ऐसे वाणी, वाणी का अर्थ है सरस्वती, और विनायक द्वंद्व समास है इसलिए वाणी विनायको। मां सरस्वती को प्रणाम स्मरण किया, गणेश जी को स्मरण किया। हमारी परंपरा है कि कोई भी कार्य के आरंभ में निर्विघ्नता सिद्धि के लिए हम गणेश जी का स्मरण करते। दूसरे श्लोक में भवानी शंकर को प्रणाम किए, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जरा चिंतन करने जैसा है, भवानी और शंकर को मैं प्रणाम करता हूं किसके जैसे हैं, वो श्रद्धा और विश्वास के समान है। भवानी श्रद्धा, शंकर विश्वास। अब आप कहोगे इसमें भी फर्क है, क्योंकि सामान्य जो डे टू डे लैंग्वेज है हमारी उसमें हम श्रद्धा और विश्वास को सिनोनिम्स के रूप में प्रयोग करते हैं। समानार्थी तो समझते हैं श्रद्धा और विश्वास। शास्त्रोक्त परिभाषा में समझोगे आप, शास्त्र की टर्मिनोलॉजी में तो फर्क है। श्रद्धा किसे कहें और विश्वास किसे कहें, थोड़ा सा शांति से इसको समझना। सामने वाले व्यक्ति में कोई गुण है जिससे आपको कोई लाभ हो रहा है किसी भी प्रकार का, तब उस व्यक्ति पर जो आपकी निष्ठा बनती है उसे कहते हैं श्रद्धा। लेकिन श्रद्धा का केंद्र आपके भीतर है। दृष्टांत, फोगटलाल और करोड़ीमल। करोड़ीमल को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है वो फोगटलाल के पास आता है।
एक ही गांव के हैं, दोनों साथ में बड़े हुए हैं। फुगटलाल ने प्रगति कर ली बिजनेस में, करोड़ीमल थोड़ा सामान्य स्थिति में रह गया, लेकिन मित्रता है। 100 रुपये की जरूरत पड़ी तो फुगटलाल के पास पहुंच गया, फुगट दोस्त हाँ 100 रुपये चाहिए, अरे ले जाओ एक हफ्ते में दे, ले जाओ जा, कोई चिंता नहीं। एक हफ्ते के बदले 10 दिन में वापस दे गया। दूसरी बार 100 की जरूरत पड़ी वापस, दोस्त फुगट जरा 1000 रुपये की जरूरत पड़ी, 1000 चाहिए ठीक है, 15 दिन में हाँ हाँ ठीक है, महीने में दे गया, लौटा गया वापस। तीसरी बार 10,000 की जरूरत पड़ी, चौथी बार 1,00,000 की जरूरत पड़ी, पांचवी बार 10,00,000 की जरूरत पड़ी। फुगटलाल ने दी हाँ हाँ जाओ, 6 महीने लगे कोई चिंता नहीं, 6 महीने नहीं 10 महीने में दे गया। अब ये जितनी बार जाता है करोड़ीमल फुगटलाल के पास, हमेशा मिल जाते हैं उसको, तो करोड़ीमल सबसे कहेगा ऐसा दोस्त मिलना, मेरे दोस्त जो है फुगटलाल, हमें तो पूरी श्रद्धा है उसके ऊपर, आधी रात को उसके घर का दरवाजा खटखटाओ, कभी वो निराश नहीं भेजता आपको। इसे कहते हैं श्रद्धा। है करोड़ीमल के पास कुछ सामर्थ्य है, लेकिन वो सामर्थ्य चूंकि फुगटलाल को, अरे करोड़ीमल को उसका फायदा हो रहा है, इसलिए श्रद्धा है। एक बार करोड़ीमल पहुंच गया फुगटलाल जी के पास, दोस्त करोड़ चाहिए। फुगटलाल कहेंगे ऐसे रखे नहीं है घर में करोड़, तो नहीं जरा, और लिक्विडिटी क्रंच भी है तो नहीं दिए। करोड़ीमल बाहर आके लोगों से कहा भरोसा मत रखना श्रद्धा इसके ऊपर, तो ये कभी भी रखड़ा सकता है। अरे किसने कहा था तू रखना, देखा हमारा स्वार्थ कोई पूरा होता है इसलिए सामने वाले व्यक्ति पर जो रखा जाता है वो श्रद्धा है, श्रद्धा का केंद्र हमारे, इसलिए श्रद्धा कभी भी टूट सकती है। यदि स्वार्थ पूरा ना हुआ तो तुरंत आप नेगेटिव बोलना शुरू कर दोगे। श्रद्धा, विश्वास, विश्वास में स्वार्थ का कोई प्रश्न ही नहीं है। सामने वाले व्यक्ति का कोई सामर्थ्य है, कोई गुण है जिससे आप, जिसके प्रति आपको अत्यंत आदर है, सम्मान है, और उसके लिए आप जो निष्ठा रखते हो उसे कहते हैं विश्वास। मुझे क्या मिलता है, मेरा स्वार्थ पूरा होता है कि नहीं, वो प्रश्न नहीं है सामने वाले, तो विश्वास का केंद्र उस व्यक्ति में है। भवानी को श्रद्धा कहा, शिव जी को विश्वास कहा, अडिग है। और ये भी केवल बीज है, कहानी कथा आएगी। सती डिगती है, सती की श्रद्धा हिलती है, शिव जी का विश्वास अटूट है। तो श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थम ईश्वरम्। ये श्रद्धा और विश्वास नहीं होंगे तो आपके भीतर जो ईश्वर है, हमारे प्रत्येक के भीतर बसा हुआ, व्यक्ति देख नहीं सकता, दर्शन नहीं कर सकता। परमात्मा कोई आकाश में नहीं है, परमात्मा मंदिर की चार दीवारों में बंद नहीं है। जिन जिन को परमात्मा का अनुभव हुआ है, डिवाइन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है, उन सभी को अपने भीतर हुआ है। जिन खोजा तिन पाइया, कबीर कहते हैं गहरे पानी पैठ। वो गहरा पानी कोई बाहर का नहीं, भीतर का है। मैं बावरी देखन गई रही किनारे बैठ, भीतर तो गए ही नहीं, अपने भीतर डुबकी लगाई ही नहीं, परमात्मा कैसे मिलेगा।
केवल बाहर बाहर देखते रहे न मिलेगा। तो विश्वास चाहिए, ईश्वर मेरे भीतर है। तीसरे श्लोक में गुरु को प्रणाम किए हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। शिव जी के ऊपर जैसे टेढ़ा चंद्र है ना, दूज का चंद्र, ऐसे तो टेढ़ा है लेकिन फिर भी उसकी प्रशंसा होती है क्योंकि वो शिव जी के मस्तक पे है। ऐसे गुरुदेव के साथ यदि मैं हूं तो मेरी शोभा है। किसी महान ज्ञानी तेजस्वी महापुरुष के साथ यदि हो, उनसे जुड़े हुए हो, तो आपकी शोभा है। गुरु को प्रणाम किए। चौथे श्लोक में कविश्वर और कपीश्वर, कविश्वर वाल्मीकि जी, कपीश्वर हनुमान जी को प्रणाम किए। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण, जो निरंतर सीता राम के गुण रूपी बगीचे में ही निरंतर विहार करते रहते हैं, ऐसे कविश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी को प्रणाम किए। पांचवें श्लोक में सीता को प्रणाम किए। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम, ये जगत माता है, शक्ति है, आद्य शक्ति पराम्बा है, जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय होते हैं। सीता को बेचारी मत समझना, सीता को अबला मत समझना, अरे बेचारी क्या करती, रावण ले गया, बेचारी नहीं है, आद्य शक्ति है, पराम्बा है। सर्वश्रेयस करीम सीता न तो हम राम वल्लभाम, ये सीता को प्रणाम किए। छठे श्लोक में श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किए। वेदांत का निष्कर्ष ये छठे श्लोक में आ गया, वेदांत और भक्ति दोनों का समन्वय है। यन माया वशवर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवा, ये पूरा वेदांत का ज्ञान है। ब्रह्मादि देव भी जिसकी माया से मोहित हैं, जान नहीं सकते, पूरे उपनिषद साहित्य देखिए, नेति 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 से भरा पड़ा है। ये ब्रह्म है, नहीं ये नहीं है, यहां पूरा नहीं होता, ब्रह्म कहां है, और विशाल है। यत सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे ब्रह्म, जिसकी उपस्थिति के कारण ये पूरा संसार जो वस्तुतः नहीं है फिर भी दिखाई पड़ रहा, जैसे रज्जु में सर्प दिखाई पड़ता है। This world, my dear brothers and sisters, according to Vedanta, this world is a projection. सृष्टि क्या है? हमारी दृष्टि जैसी है ऐसी सृष्टि, प्रोजेक्टर यहां फिट हुआ है। जगत पूरा, इसकी चर्चा आएगी। जैन दर्शन में बड़ी सुंदर बात है, अनेकांतवाद, अद्भुत सिद्धांत है। The world is not absolute. एक की दुनिया एक होती है, दूसरे की दुनिया दूसरी होती है, तीसरे की तीसरी होती है। आपका मन कैसा है? एक ही फंक्शन में आप बैठे होंगे, म्यूजिक की ऑर्केस्ट्रा का, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चल रहा है, 500 लोग हॉल में बैठकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन 500 लोग समान सुख नहीं पाते उसमें से। कुछ लोगों को सुख मिलेगा, कुछ लोग दुख में डूबेंगे, कुछ लोगों गीत सुन के उनकी अपनी कहानी याद आएगी, कॉलेज में ये मित्र था या तो ये सहेली थी, उसके साथ ये फिल्म देखी थी, अब वो नहीं रहे, इतने बरसों से नहीं मिले, उनको कैसा हो गया, ये हो गया। गीत एक चल रहा है, आपके घर अंदर कितना नाटक चल रहा है। और तो संसार क्या है? व्यक्ति का अपना मन जितना होता है वैसा संसार। प्रत्येक व्यक्ति का भी संसार एक नहीं रहता, हमारा भी संसार बदलते रहता है। ये सारे सिद्धांत आएंगे रामायण में, डिटेल में हम देखेंगे उसके बारे में, अभी तो मैं केवल बीज डाल रहा हूं, सीड्स दे रहा हूं। तो यन माया वशवर्ति विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वादम ऋषैव भाति सकलम रज्जौ यथा, जिसके प्रकाश से, जिसकी उपस्थिति से, जिसके सत्व से, जिसके सामर्थ्य से ये संसार जो है वो हमें दिखाई पड़ रहा है। ये दो
चरण वेदांत के, ज्ञान के, अब दो चरण भक्ति के। यत पादप प्लवमे कमे वही भवाम बोधे स्थिति रिशावत, जिसके चरण कमल रूपी नौका का आश्रय लेकर के आप ये भव सागर को पार कर जाते हो। ये भक्ति समर्पण भाव आया, सौंप दो अपने आप को। वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यम ईशम हरिम, उस राम को मैं प्रणाम करता हूं। छह श्लोक। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता चलेगा गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 लोगों को प्रणाम किए। याद है आपको? बोलिए किन किन को किए प्रणाम। सबसे पहले वाणी सरस्वती को किए, दूसरे गणेश जी को प्रणाम किए, फिर भवानी को किए, शंकर को किए, फिर गुरु को किए, फिर वाल्मीकि जी को और हनुमान जी को प्रणाम किए, फिर सीता जी को प्रणाम किए, और छठे अंत में नवा क्रम में रामचंद्र जी को प्रणाम किए। 9 लोगों को प्रणाम किए। फिर से ये क्रम देख लो, दूसरी तरह से कहूं, कोई फंक्शन चल रहा हो और राइट से लेफ्ट बिठाया जाए ये गेस्ट को, तो देखिए सबसे पहले वाणी सरस्वती जी, फिर गणेश जी, फिर भवानी, फिर शिव जी, फिर गुरु, फिर वाल्मीकि जी, फिर हनुमान जी, फिर सीता जी और राम जी। गोस्वामी जी ने सेंटर में किसको बिठाया? गुरु को बिठाया। 9 लोगों को जो प्रणाम किए उसमें 5वें क्रम पर गुरु को प्रणाम किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की गुरु भक्ति है। गुरु के कृपा से ही और गुरु की शरणागति लेने से ही ये बाकी सब प्राप्त हो जाता है। इसलिए बालकांड में गोस्वामी जब शुरुआत करेंगे तो पहला वंदना प्रकरण, और वंदना प्रकरण में भी पहले गुरु को प्रणाम। 7वें श्लोक में गोस्वामी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। ये जो मैं ग्रंथ लिखने जा रहा हूं वो कैसा है? अलग अलग पुराणों में, आगमों में, वेदों में, सब में ये बात लिखी हुई है, सम्मत है। यद रामायण निगदितम, वाल्मीकि जी के रामायण में जो भी लिखा हुआ है वो भी मैं कह रहा हूं। क्वचित अन्यतोपि, कहीं और भी कुछ दूसरे शास्त्रों में, रामचरितमानस में शिव पुराण की कुछ घटनाएं आती हैं, भागवत जी के कुछ घटनाएं प्रसंग आते हैं, क्वचित अन्यतोपि कुछ और ग्रंथों में भी जो लिखा हुआ है मैं यहां कर रहा हूं। अब यह प्रश्न पूछा जाए, गोस्वामी जी यू आर नॉट क्लेमिंग ओरिजिनलिटी, गोस्वामी जी नहीं कहते कि मैं अपना कुछ लिख रहा हूं, नहीं, ये जहां पर अभी तक सब अलग 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 स्थानों में लिखा गया है वही मैं कहने जा रहा हूं। तो फिर पहले कह चुका है तो फिर क्यों कहते हो? फिर वाई रिपीट? गोस्वामी जी ने कहा स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथ, मेरे अंतकरण को सुख मिले निजानंद के लिए। कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई कमर्शियल एंगल नहीं है, केवल मेरे अंतकरण को सुख मिले, स्वांत सुखाय। ये भगवान की कथा मैं क्यों कह रहा हूं, रामचंद्र जी का कथानक वर्णन मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उससे मेरे अंतकरण को आनंद मिलता है, मुझे सुख मिलता है। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती, 7 श्लोकों में संस्कृत में मंगलाचरण किया, देवभाषा संस्कृत का गौरव स्थापित करके उसे प्रणाम करके फिर गोस्वामी जी उत्तर प्रदेश की सामान्य गांवठी भाषा अवधी बोली में आ गए। और जो ये 7 श्लोकों में कहा था वही देवताओं को प्रणाम 5 सोरठाओं में किया। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन, गणेश जी को प्रणाम। मुक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, विष्णु को प्रणाम। मुकम करोति वाचालम पंगुल्लंघयते गिरिम, यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, यही। राम जी को प्रणाम। ये करके फिर गुरु को वंदन करके
श्री रामचरित मानस जैसे अद्भुत ग्रंथ की पहली चौपाई बड़ी प्यारी है, बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी प्रसिद्ध भी है। गुरु के चरणों में गोस्वामी तुलसीदास जी वंदन करते हैं। आइए पुस्तक में सातवें पन्ने पर आठवीं चौपाई आपके पास है, एक एक चरण यहाँ से हमारे योगेश जी गाएंगे। यू हैव टू फॉलो इट। रामचरित मानस का एक आनंद है कि वो गाया जा सकता है बड़े सुंदर रूप से। आइए। बंद गुरु पद पदमु पराग, बंद गुरु पद गाइए सब। पदमु पराग, मैंने ये कथा का जब तय किया, मुहूर्त दिया, समय दिया, तो बहना सोनल से बात हुई, बहना जया से बात हुई, उन्होंने कहा कि गुरुजी आपकी तो कथाएं बड़ी, अब भी आप देख रहे हो आस्था पर आ रही है, हजारों लोग सुनते हैं। हम तो एक परिवार के रूप में क्लोज फ्रेंड्स ये ऐसे करना चाहते हैं। मैंने कहा अवश्य। सोनल से बात हुई और सोनल तो बरसों से परिचय में है, तो उसने मुझे कहा कि भाई जी कम होंगे लेकिन होंगे बहुत अच्छे लोग, नंबर्स विल बी लेस। मैंने कहा हम हेड काउंट में कहां जाते हैं, आई डोंट गो इन द हेड काउंट। लाखों लोगों के सामने कथाएं की है तो ही उतना आनंद आता है, ऐसे परिवार के रूप में एक छोटे समूह में बैठे तो भी उतना आनंद आता है। लेकिन सोनल ने मुझे एक समय कहा था कि भाई जी आप जब चौपाई गवाएंगे, श्लोक बुलवाएंगे, तो लोग इतने इन्वॉल्व होकर के, हमारे दिल्ली का जो सर्कल है, हमारे अरविंद जी का और जया जी का सर्कल है, वो इतना अच्छे रूप से गाएंगे, ऐसा सोनल ने मुझे कहा था। आओ। वंदे गुरु पद पदुम परागा, वंदे। सोनल बहना क्या कहा था तूने, कुछ फिर से याद करा दे एक बार मुझे। वंद गुरु पद पदुम पराग, वंद गुरु पद पदुम पराग, सुरीचि सुवास सरस अनुराग, सरस अनुराग, अमीय मूरीमय चूरन चारो, अमीय मूरीमय चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो, वंद गुरु पद पदुम पराग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बंदऊ गुरु पद पदुम पराग, वंदन करता हूं मैं बंदऊ किसे, गुरु पद गुरु के चरण, लेकिन केवल गुरु के चरण नहीं कहा, गुरु पद पद्म परागा, गुरु के चरण कमल की रज को मैं वंदन करता हूं। कितनी सूक्ष्म बात हो गई। देखिए व्यक्ति को प्रणाम करना एक बात है, व्यक्ति के चरण को प्रणाम करना दूसरी बात है, और व्यक्ति के चरण कमल की रज को प्रणाम करना, वो चरण की धूल को प्रणाम, कितनी नम्रता है इसमें। क्यों करता हूं मैं, क्योंकि ये जो चरण की रज है वो सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अत्यंत रुचिकर है, सुगंधि युक्त है, सरस है, अनुराग युक्त है। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, गुरु के चरण कमल की रज मानो ये संसार के विविध रोग को नाश करने की अमृतमय जड़ी बूटी है।
अमीय मूरी मै मूरी बूटी चूरन है वो चारु का अर्थ है सुंदर है। समन सकल भव रुज परिवार समन करती है सकल भव संसार के रुज रोग का जो परिवार है संसार में रोग एक नहीं होते पूरा फैमिली आता तो जितने भी रोग हैं संसार के जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं का हल करने वाली अमृतमय जड़ी बूटी गुरु के चरणों की रज है। भारतीय संस्कृति की एक महानता है जिसने गुरु को बहुत गौरव दिया है। पश्चिम के लोग ये समझ नहीं पाते। परमात्मा की कृपा से नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक जहां जहां पर भारतीय बसे हैं वहां पर और फिर तो जहां नहीं है वहां पर भी भगवान की एक कथा लेकर जाना हुआ है। भारत दुनिया का मुश्किल से कोई ऐसा देश इथोपिया आज सुबह पता चला वहां भी तय हो रहा है। बहुत कम ऐसे होंगे जहां पर जाकर भगवत चर्चा नहीं की भगवत कथा नहीं की। और भाषा की मर्यादा भी नहीं इंग्लिश में भी करता हूं तो कई लोग सुनने के लिए भी आते हैं नॉन हिंदूज नॉन इंडियंस खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड के जो लोग आते हैं पढ़े लिखे हैं बुद्धिमान हैं टेक्निकली एडवांस्ड हैं वे जब ऐसी बातें सुनते हैं तो उनको आश्चर्य होता है। हमारे यहां बड़ों को प्रणाम करना झुक जाना ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ अवर बीइंग हमें उसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता। कोई न करे तो आश्चर्य लगता है। कोई युवान आए पुत्र या पुत्री और घर में सब बड़े बैठे और वो झुककर प्रणाम न करे तो लोग कहते कैसा है संस्कार नहीं दिए कुछ इसको तो प्रणाम हो जाते हैं। पश्चिम के दुनिया में नहीं करता कोई झुकता नहीं है और यदि झुकने को कहा जाए तो उनको प्रश्न आता है मन में प्रश्न व्हाई और इसे वो कहते हैं हीरो वर्शिप। कहते हैं ओरिएंटल कल्चर में ये बहुत है हीरो वर्शिप यू डेइफाई पीपल। पश्चिम की दुनिया में ये नहीं करते। हम तो किसी भी दाढ़ी को लाके घर में चिपका देते हैं किसी की भी फोटो और उसको माला पहना करके धूप दीप उसके सामने शुरू कर देते हैं। पश्चिम के लोग नहीं करते ऐसा दे नीड टू बी कन्विंस्ड फर्स्ट। तो ये गुरु की पूजा और पश्चिम की जो विचार शैली जीवन शैली लाइफस्टाइल थिंकिंग हमारी नई पीढ़ी में आने लगा पढ़ाई लिखाई होने लगी तो फिर हमारी नई पीढ़ी भी पूछती है। घर में कोई संत महापुरुष आए और बड़े कहें 15-17-20 वर्ष के बेटे बेटी को बेटा चरण छुओ वाय पूछते हैं व्हाट्स बेटा गुरुजी आए सेवा करो वाय वो अपना खुद नहीं कर सकते हम क्यों करें। एयरपोर्ट पर गुरुजी आए तो तुरंत उनके बैग उनके हाथ से ले लो अरे वो भी रोल कर सकते हैं कैरी ऑन बैग है हम क्यों ले लें उनके हाथ में से लेट हिम डू इट। ये एक स्टाइल है एक उन्होंने स्वीकार की हुई जीवन शैली है। इट डजंट मीन दैट दे आर नॉट कर्टियस दे आर कर्टियस दे आर नाइस लेकिन ये पैर पड़ना उनको आइडियलाइज करना हीरो वर्शिप करना ये नहीं है उनके अंदर। पूछते हैं ऐसा क्यों तो पहली बात मैं आपको बता दूं प्रिय स्वजनों बुद्धिमान वर्ग मेरे सामने बैठा है गुरु की पूजा जो है गुरु का आदर जो है गुरु का सम्मान करना है वो किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है। गुरु की पूजा ये एक, एक, एक जलते हुए दिए की पूजा है। कुछ पाया है उसने वो जीवन की यात्रा में हमसे कुछ कदम आगे चल रहा है। केवल कुछ शब्द कंठस्थ नहीं किए कुछ शास्त्र नहीं रटे उसने लेकिन जो शास्त्र है शास्त्र क्या है मिलेनिया ओल्ड टाइम टेस्टेड विजडम है। इस विजडम के जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों को उसने समझा है न केवल समझा है उस पर वो आचरण कर रहा है। ही वॉक्स व्हाट ही टॉक्स एंड ही टॉक्स व्हाट ही वॉक्स उसके आचरण में यह दिखाई पड़ता है। एक जलते हुए दिए की पूजा नाम मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन हिंदी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है
जिसके भीतर दिए जलते हैं वे ही घर से बाहर निकलते हैं। भीतर की कुछ लाइट, भीतर का कुछ प्रकाश होगा, वो ही निकलेंगे बाहर बांटने के लिए। तो गुरु की पूजा वो वस्तुतः उसने पाए हुए ज्ञान की पूजा है, उसके तपपूर्ण जीवन की पूजा है, उसकी सात्विकता का आदर है। और दूसरी बात, वो सेवा करेंगे, सेवा के बहाने उनके पास रहने का सद्भाग्य प्राप्त होगा। जिस महापुरुष को दूर से देखकर ही लोग धन्य हो जाते हैं, आज एयरपोर्ट पे दूर से देखकर लोग धन्य हो जाते हैं, जिनको ओहो हम तो इतने वर्षों से टीवी पे देख रहे थे, आज आपके दर्शन हो गए, दूर से देखकर जिसको धन्य हो, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना, समीप रहना सेवा के निमित्त से, उससे क्या होता है? दो लाभ होते हैं। एक, आपको गुरु को नजदीक से ऑब्जर्व करने का संयोग प्राप्त होता है। दूसरी बात, जैसे आप वो महापुरुष को ऑब्जर्व करते हो, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बात करते हैं, सामान्य व्यक्ति के जीवन में जैसी समस्या आती है ऐसे महापुरुष के जीवन में भी आती है। आप सबसे भक्तों के जीवन को देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आई ही है। कोई भक्त का जीवन बेड ऑफ रोजेस कभी नहीं था, देयर वर चैलेंजेस सभी भक्तों के जीवन में, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में, उस चैलेंजिंग सिचुएशन में वो कैसे रहे, हाउ दे मेंटेन देयर बैलेंस, ये सीखने मिलता है, रोल मॉडल बनते हैं। दूसरी बात, जैसे आप गुरु के नजदीक रह करके उनको ऑब्जर्व करते हो, वैसे वो महापुरुष भी आपको ऑब्जर्व करता है, क्योंकि आप नजदीक हो। और आपके जीवन में कोई ऐसी बात हो जिससे आपका विकास रुक गया हो, महापुरुष देखते हैं, ऐसे तो ये दिव्य चेतना है, ये छोटी सी बात, छोटा सा विकार, छोटा सा कोई दुर्गुण, छोटा सा कोई दोष, उसकी वजह से विकास रुक रहा हो, सदगुरु यदि कृपा करे तो बता देते हैं जरा इतना सुधार लेना, और वो बड़ी सटलिटी से बताएंगे, वो नगारे बजा के नहीं कहेंगे, छोटा सा ऐसा सजेशन, मिस कर गए तो गया, लेकिन यदि आप सतेज रहे और वो सजेशन को स्वीकार कर लिया, जीवन को बदल दिया, तो बेड़ा पार लग जाता है। ये लाभ मिलता है सामीप्य में, नजदीक रहकर। इसलिए बंदो गुरुपद पद्म पराग, उनके चरण की रज है, वो उनका आचरण है। पर चरणों की धूल क्यों? क्योंकि जिस मार्ग से वो चले वो आचरण की धूल लगी हुई है, उसको वंदन है। मजाक में मैंने कई बार कहा, चरण की ही रज क्यों कही? देखिए, कोई महापुरुष आएगा तो आप क्या करते हो? चरण की रज लेते हो। कोई उसके चेहरे की ऐसा करके प्रणाम नहीं करता, कोई इसको ऐसा हाथ को ऐसा करके नहीं करता। धूल ही लेनी है तो उसके शरीर पे, गाल पे भी धूल लगी होगी, हाथ पे भी धूल लगी होगी, ले लो, वो अच्छी है ना? नहीं, चरण की रज, जो चला है, जो उसने आचरण किया है, उसको प्रणाम है। बंदो गुरुपद, तो एक तो टाइम टेस्टेड विजडम है ही, लेकिन ऑल द मोर गारंटी आ गई कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में भी इसका आचरण किया है, और जो जीवन में आचरण किया है वो हमें बता रहे हैं, दैट मींस ही इज नॉट गोइंग टू मिसगाइड अस। इसलिए गुरु को प्रणाम, बड़े भाव से प्रणाम किए हैं। वंदना प्रकरण तो बहुत बड़ा है, समय हुआ, मैंने कहा ना क्लासरूम है तो पंक्चुअलिटी, कल आकर के आगे की कथा क्या है उसका दर्शन करेंगे। कल राम जन्म होगा, भागवत कथा में कृष्ण जन्म चौथे दिन होता है महोत्सव, लेकिन रामायण की कथा में रामचंद्र जी का प्रागट्य कल दूसरे दिन ही हो जाता है, तो कल हम भगवान रामचंद्र जी के प्रागट्य का उत्सव मनाएंगे और कथा में भी आगे बढ़ेंगे। एक श्लोक में प्रार्थना करें, त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः शांति 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 बोलो सद्गुरुदेव की जय राज रामचंद्र भगवान की जय आरतियते पावन पुराण की आरतियते पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरतियते पावन पुराण की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पिय की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विचार सन काद शेष और सारद वरनि पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्ट दश हूँ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरवस मुनि जन धन संतन को सरवस सारे अंश संवत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अर्धट संभव मुनि विज्ञानी प्यास आदि कवि बरज बकानी प्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंट गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरानी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्त जोबती की दलन रोग भव मूढ़मी की तात मात सब विध तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की
कीरति कलेत ललित सिय पिय के करपूर पूरेणा मनोहरेणा सुवर्ण पात्रांतर संस्थितेना प्रदीप्त भासा सहसंग देना लीला जनलते जगदीश कौर्व मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते नारा